सीबीएसई फिजिकल सेशन का एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके साथ साथ आज मेरा भी एग्जाम है, क्योंकि पहली बार मैं बैठा हूं कि देखता हूं कि पूरे के पूरे जो आपके सिलेबस है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सिलेबस का, सब चैप्टर का, उसको मैं कितना अच्छा से टच कर पाता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो जो देखेंगे वो अगर कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो भी इस वीडियो से आपको पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच हो जाएंगे और आप बेसिक कंसेप्ट तो सबका ले ही लीजिएगा, और जब भी आप लिखना चाहिएगा तो कुछ ना कुछ इस बारे में लिख सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। मेरे पास लेटेस्ट सिलेबस का बुक है जो इस बार का आपका सिलेबस है, अब देखते जाइए। पहला है आपका मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करना और उसको सिस्टमैटिक ढंग से इम्प्लीमेंट करना, वही पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना है। तो ऐसे हमने पढ़ा था पोस्ट कॉब, तो पोस्ट कॉब में बी यानी बजटिंग को हटा दिए तो पोस्ट कॉब पढ़ना है आपको पूरा। पोस्ट कॉब क्या है? पी यानी प्लानिंग, ओ यानी ऑपरेटिंग, एस यानी स्टाफिंग, डी यानी पीओएसडीडी यानी डायरेक्टिंग, और सी यू मीन्स कंट्रोलिंग। ये है। अब क्या है प्लानिंग? क्या है? ए प्लान इज ए ट्रैप लेट टू कैप्चर द फ्यूचर, एलन ने कहा था। इसको याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि एलन मतलब एक आदमी लिया हुआ है, क्या लिया? ट्रैप यानी जाल। तो उससे कोई पूछता है कि ये किस लिए लिए हो, तो बोले कि ए प्लान इज ए ट्रैप है, मैं प्लान बना रहा हूँ इस ट्रैप से टू कैप्चर द फ्यूचर। तो हंसता है कि कैप्चर द फ्यूचर नहीं हो सकता, लेकिन ये याद करने के, ए प्लान इज ए ट्रैप लेट टू कैप्चर द फ्यूचर, मैंने हम प्लान करते हैं ट्रैप एक जाल बिछाते हैं फ्यूचर को ठीक से कैच करने के लिए। इसलिए है कि एक और इसका डिफिनेशन है कि ए प्लान इज टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय होम इट विल बी डन। ये सारा कुछ क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें एडवांस में सोचना ही प्लानिंग है। तो ये हो गया प्लानिंग। वो यानी ऑपरेटिंग, फिर उसको ऑपरेट करना, ठीक है, ऑपरेटिंग या उसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, चीज़ों को फिर ऑर्गेनाइज करना सिस्टमैटिक ढंग से। तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग मीन्स राइट पीपल को राइट वर्क के लिए सेलेक्ट करना ही स्टाफिंग है। राइट पीपल को राइट वर्क के लिए सेलेक्ट करना ही स्टाफिंग है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और डायरेक्टिंग, ये एक या दो मार्क्स पूछेगा, ये पूरा जो है प्लानिंग पे ज़्यादा पूछता है, लेकिन अगर एक या दो मार्क्स पूछा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। सॉरी, एक में तो नहीं पूछेगा, दो या तीन में पूछ सकता है डायरेक्टिंग, लेकिन ये क्वेश्चन सब मिलके बनता है। अकेले में तीन मार्क्स का अगर पूछेगा तो इसको आपको थोड़ा एलिब्रेट करना पड़ेगा, स्टाफिंग को थोड़ा पॉइंट बनाना पड़ेगा कि स्टाफ मीन्स की दो तीन इसको पॉइंट बना लेंगे कि टू फर्स्ट टू सेलेक्ट द राइट पीपल, देन टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू राइट पीपल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दो तीन चीज़ें पॉइंट याद रखिएगा, तो आपका उस पॉइंट को लिखना है, हेडिंग बनाना है, उसको डील करना है। लेकिन अभी तक इसका क्वेश्चन मैंने देखा नहीं कि इसका दो या तीन मार्क्स में आया है, लेकिन आपको बेसिक क्या है जानना होगा। डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शन देना, सीधा सीधी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको डायरेक्शन देना कि कौन कैसे करेगा। इसलिए जैसे पिक्चर के में डायरेक्टर का एक रोल होता है, भले सारा एक्टिंग सारा कुछ करना हीरो हीरोइन को, और उनके स्किल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एक फिर भी डायरेक्टर उसमें जान ला देता है। तो डायरेक्टर मीन्स डायरेक्शन देना कि किस तरह से चीज़ों को किया जाना बेहतर होता है, और सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चलेगा। कुल मिला के हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करना है, और किससे? तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करना है आपको सारे आंसर को। पूरा पीई को आपको स्पोर्ट्स की नज़र से, फिजिकल फिटनेस की नज़र से, फिजिकल एजुकेशन की नज़र से देखना है। तो इसको रिलेट करना है हमेशा, आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको रिलेट करना है हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन से। कंट्रोलिंग मीन्स चीज़ों को कंट्रोल में रखना, और हायरार्की में ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर के जो डायरेक्शन है नीचे तक आए, नीचे के जो वर्क है वो ऊपर तक अफेक्ट करे, तो इसको पूरा का पूरा ठीक से रखना ही कंट्रोलिंग है। वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरियस कमिटी क्या है? तो मैं इसको स्पोर्ट्स कमिटी को मैं याद करने के लिए बोलता हूँ, जल्दी से फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि आपको एक टूर्नामेंट कराना, उसी की कमिटी यहाँ पर है। तो टूर्नामेंट जब कराएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग टूर्नामेंट के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले हम लोग एक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बनाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के नीचे सबसे पहले किसी न किसी को हेड मानेंगे, तभी काम हो पाएगा। तो किसी न किसी को हेड मानते उसको चेयरपर्सन कहते हैं,
या प्रेसिडेंट कह सकते हैं। वहां हेड बनाने के बाद नीचे सबसे पहले क्या होता है, एक बजट। बिना बजट का, बिना फाइनेंशियल कमेटी के कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो एक फाइनेंशियल कमेटी या बजट कमेटी बनेगी जो बताएगी इतने पैसे में हमको टूर्नामेंट कराना है। बजट कमेटी के नीचे कौन जाएगा? तो बजट कमेटी जैसी बन गई तो हम डेट वेन्यू सब डिसाइड करेंगे कि ये बजट है, इसी में हमको इस समय यहाँ पर टूर्नामेंट कराना है। जैसी वो हो जाएगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट, स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट क्या है, एक प्रोपोगंडा स्पोर्ट्स है, यानी कि उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट कमेटी, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद डेट ऑफ वेन्यू अगर तय हो गया तो किसी न किसी इनवाइट करेंगे तभी तो लोग आएंगे, तो इनविटेशन कमेटी। तो ऐसे हायरार्की बनाती जाएगी, सबसे पहले फाइनेंस कमेटी, उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट करें, एडवर्टाइजमेंट कमेटी, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हम सबको इन्विटेशन भेजे, इन्विटेशन कमेटी, इन्विटेशन भेज दिए तो सही टाइम पर लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो उनको रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से या एयरपोर्ट से उठा के लाना होगा, तो ट्रांसपोर्ट करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, उससे पहले जितने सामान हम यहाँ वहाँ करेंगे उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्ट करके लेते आए जब तो कहाँ आएंगे वो, सबसे पहले तो एक जगह रिसीव करेंगे हम लोग, तो रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी जैसे ही वो आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको ठहराने की व्यवस्था करनी होगी, तो वो एकोमोडेशन कमेटी या बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी उसको कहते हैं। वहाँ जैसे ही ठहरेंगे तो उनको भूख लगी रहेगी, उनको खाना खिलाना है, तो जब उनको खाना खिलाया तो फूडिंग कमेटी या रिफ्रेशमेंट कमेटी वहाँ रहेगी। फूडिंग कमेटी बेसिकली कहा जाता है उसको, रिफ्रेशमेंट तो पूरा अलग तरह से भी काम करता है, तो फूडिंग कमेटी रहेगी। फूडिंग कमेटी जैसे वो खा लेंगे उनको लगेगा कि नहीं अब टूर्नामेंट के तैयार होना है, मेरा भाई मैच का दीजिए, मैच के लिए आया है, मैच का फिक्स्चर बताइए। तो फिक्स्चर बनाने वाले और खिलाने वाली कमेटी, ऑफिशिएटिंग कमेटी, ऑफिशियल्स कमेटी, जो रेफरी उफरी रहते सब रेफरी, लाइनमैन, जितने भी एम्पायर जितने लोग हैं सब उसके अंतर्गत आते हैं, अनाउंसर अनाउंसर सब, तो वो सारे मिलाकर एक ऑफिशिएटिंग कमेटी। ऑफिशिएटिंग कमेटी बन गई है, फिक्स्चर मिल गया है, सब कुछ हो गया है, तो वो टूर्नामेंट खेलने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्योंकि टूर्नामेंट को स्टार्ट करना है सिस्टमेटिक ढंग से, तो ओपनिंग सेरेमनी कमेटी। ओपनिंग सेरेमनी कमेटी हो गई, ओपनिंग शुरू हो गई, तो मैच शुरू हो गया। अब मैच शुरू हो गया तो खिलाने वाले ऑफिसिटिंग तो है ही, वहाँ एक अनाउंसमेंट कमेटी रहती है जो सब चीज़ों के लिए अनाउंसमेंट करते थे, इवेंट की खाना खाने जाना है, ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस रेडी है, वहाँ जाना है, टूर्नामेंट के दौरान भी उसमें जान लाने के लिए अच्छा अनाउंसर जान ला देता है। तो अनाउंसमेंट कमेटी जो अनाउंस क्या क्या करना है वो देखती है। अनाउंसमेंट कमेटी के बाद खेल के दौरान किसी को चोट लग सकती है इसलिए फर्स्ट एड कमेटी, और सारा कुछ खेल अच्छे से चल रहा है तो इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फील्ड को देख रेख करने के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कमेटी, जो कि खेल की चीज़ें सब सारा चीज़ देखभाल करे, और वो सब कुछ हो रहा है, खेल चल रहा है, तो लास्ट होगा, तो लास्ट में क्या होगा, क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी, और उस दौरान प्राइजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी या सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी, इस तरह के प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी एक अलग से बनती है, जो सारा कुछ देखती है कि प्राइजेज कहाँ कहाँ किस कब कब देना है, सर्टिफिकेट्स ठीक से लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यहाँ तक जो है सारी कमेटी होती है। अब जितना मैंने बताया एक हायरार्की में सोचिएगा, एक तरह से सिस्टमेटिक सोचिएगा, तो बहुत सारी चीज़ अगर भूल भी गए तो भी पाँच छः चीज़ें तो याद रहेगी, और पाँच मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो किसी भी जगह फाइव पॉइंट्स तो मिनिमम आपको याद रखना है, तो आठ दस याद करके जाइए, पाँच अपने आप वहाँ याद आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया हमारा, मैंने फंक्शन भी बता दिया साथ ही साथ, जब नाम के साथ साथ प्रोसीजर टू और फिक्स्चर। देखिए फिक्स्चर के लिए अभी मैं अगर यहाँ बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा फिक्स्चर बताने के लिए, तो फिक्स्चर के लिए कम से कम एक वीडियो मेरा अलग से देख लीजिएगा जो फिक्स्चर वाला है। ऐसे टूर्नामेंट्स जो है तीन तरह के होते हैं जो कि आपको पढ़ना है, नॉकआउट, लीग और कम्बिनेशन। अब नॉकआउट टूर्नामेंट कहा है को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। नॉकआउट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, इसमें वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड। तो नॉकआउट किस सिस्टम में काम करता है, तो वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड, यही इसका डिफिनेशन भी लिखना है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में नीचे पूछ दिया कि वेयर ए टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड इज ए काइंड ऑफ टूर्नामेंट, तो नीचे आ सकता है, या नॉकआउट ऊपर दिया हुआ है, चार नीचे डिफिनेशन दिया हुआ, तो आपको ये चुनना है। दूसरा होता है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को दो चीज़ें कहा जाता है, उसको राउंड रॉबिन भी कहा जाता है और उसी को बर्जर सिस्टम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा लीग को, लीग टूर्नामेंट्स को राउंड रॉबिन और बर्जर सिस्टम। इसमें क्या है, एवरी टीम गेट्स ए मिनिमम वन चांस टू प्ले विथ अगर डबल नॉकआउट डबल लीग है तो दो दो बार, लेकिन सिंगल लीग जो है, सिंगल लीग ही पूछता है अधिकतर, तो सिंगल लीग जो है उसमें ईच टीम गेट्स वन चांस टू प्ले एवरी विथ एवरी अदर टीम। एवरी टीम गेट्स वन चांस टू प्ले विथ एवरी अनदर टीम। हर टीम हर दूसरी टीम के साथ खेलने का एक चांस पाती है लीग में, तो लीग सिस्टम है वो। और कॉम्बिनेशन मीन्स चार तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट भी बनता है, नॉकआउट के जीता उसका अलग से नॉकआउट होता है, लीग कम लीग भी होता है, और नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, इस तरह चार तरह कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बनते हैं।
और वो आप डिफरेंट जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स का फिक्चर बनाने नहीं बोलता है, बनाने बोलता है सिर्फ लीग का और नॉकआउट का। तो लीग और नॉकआउट का फिक्चर कैसे बनाना है उसके लिए एक मेरा वीडियो है, अगर टाइम मिल रहे आपके पास देखिएगा, और नहीं तो इतना से आपका काम लायक काम चलेगा, आप जानेंगे कि क्या ये है। क्योंकि अभी उसके बारे में टूर्नामेंट्स के बारे में बताने से काफ़ी लेंदी हो जाए, क्योंकि उसको अलग से समझाना पड़ेगा और बिना पीछे बताए जो बिना पीछे लिखे हुए वो ठीक से समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ें बात से समझ में आ जाए और आपकी कल्पना में आ जाएगा, वीडियो देखे और सुने तो समझ में आ जाए, वही बातें मैं यहाँ बोलूँगा। इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल जो है क्या गेम्स है, तो यहाँ जरूर लिखेगा, किसी किसी किताब में डिफरेंट है, लेकिन आप ऐसा लिखेगा इंट्रा मीन्स विद इन, म्यूरल मीन्स म्यूरलिस मीन्स वॉल, इसी से बना इंट्राम्यूरल, MURALIS म्यूरलिस मीन्स वॉल, या MURL म्यूरल मीन्स भी वॉल ही होता है। तो इंट्रा मीन्स विद इन, म्यूरल मीन्स वॉल, यानी एक दीवार के अंतर्गत जब खेल हो रहा है, यानी कि एक स्कूल के अंदर क्लास वाइज या हाउस वाइज मैच चल रहा है, वो सारे इंट्रा म्यूरल इवेंट होते हैं। और एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड और म्यूरल मीन्स वॉल, ये जरूर लिखिएगा सबसे पहले लिख के पेंसिल से, इंट्रा मीन्स विद इन या एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड और म्यूरल मीन्स वॉल, इसका मतलब कि आउटसाइड वॉल, यानी कि या तो आप बाहर जा रहे हैं या बाहर से कोई आ रहा है। तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट जितने होते हैं वो एक्स्ट्रा म्यूरल में आते हैं, इंटर हाउस या इंटर क्लास टूर्नामेंट या सेक्शन वाइज टूर्नामेंट जब स्कूल के अंदर होता है वो सारे जो इंट्रा म्यूरल में आते हैं। तो इंट्रा म्यूरल एक्स्ट्रा म्यूरल इसको याद रखिएगा। यहाँ पर अब देखिए इसके आगे आपको इसका बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस कुछ भी पूछेगा, तो कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हर जगह उपयोग आते हैं, जैसे लर्निंग न्यू स्किल्स, एवरी प्लेयर गेट्स अ चांस टू प्ले, इंट्रा म्यूरल में। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या है, लर्निंग मोर न्यू स्किल, न्यू टेक्निक्स, सोशलाइजेशन इंक्रीजेस, सोशलाइजेशन बढ़ता है, प्लेयर को लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी इन्हेंस होती है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी एक अच्छा पॉइंट है जो दोनों साइड लिखिएगा, एक्स्ट्रा म्यूरल में भी इंट्रा म्यूरल में भी, और जो स्किल बढ़ता है इंट्रा म्यूरल में भी एक्स्ट्रा म्यूरल में भी। लेकिन एवरी प्लेयर गेट्स अ चांस टू प्ले या मैक्सिमम प्लेयर गेट्स अ चांस टू प्ले, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंट्रा म्यूरल लिखेगा, एक्स्ट्रा म्यूरल में क्योंकि सेलेक्टेड सिर्फ जाते हैं, इंट्रा म्यूरल में सभी कोई खेलते हैं, तो इंट्रा म्यूरल में ये एक अलग से लिखेगा। सोशलाइजेशन इंक्रीज दोनों से होता है, स्कूल के प्रति भावना रिस्पेक्ट की बढ़ती है लोगों की, क्योंकि जिस स्कूल से लोग खेलते हैं उससे एक लगाव बढ़ता है, अफेक्शन टू द स्कूल इंक्रीजेज या अफेक्शन टू द इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेज, ये इंट्रा म्यूरल एक्स्ट्रा म्यूरल में होता है, क्योंकि जब इंट्रा से एक्स्ट्रा में जाते हैं आप तो स्कूल की ओर से खेलते हैं। तो ये दो चार पाँच पॉइंट आप याद रखिएगा और उसके अनुसार, हाँ फिटनेस दोनों में डाल दीजिए, एंड इट इज ए गुड हेल्थ इंक्रेजमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट, एक हेल्दी हैबिट है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये डाल दीजिएगा। इंट्रा म्यूरल एक्स्ट्रा म्यूरल यहाँ पर हो गया। ऑब्जेक्टिव इंट्रा म्यूरल में ऐसे भी लिखा हुआ, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन देता है, टू इम्प्रूव फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चूज ए गेम इंट्रा म्यूरल में। फिर एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या है, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि मैंने कहा स्किल को डेवलपमेंट, और ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि बड़ा बेस ऑफ स्पोर्ट्स है यहाँ पर है कि बेस बना रहा है, टू मेकिंग ए बेस ऑफ स्पोर्ट्स, और उसी को आगे इंट्रा म्यूरल में मेकिंग ए बेस ऑफ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा म्यूरल में उसी को थोड़ा बढ़ा दिया, ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसको जो है याद रखिएगा। अब है कम्युनिटी स्पोर्ट्स, कम्युनिटी स्पोर्ट्स यानी कम्युनिटी के बीच में कुछ ये असल में रनिंग इवेंट्स, अधिकतर एथलेटिक इवेंट्स जो रनिंग इवेंट्स होते हैं उसी के बारे में पूरा पांच तरह के इवेंट्स है इसमें। एक तो स्पोर्ट्स डे जो होता है वो तो आप लोग जानते हैं, स्कूल के लिए आप अपने से भी लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स डे में स्कूल के सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनक्रेज किया जाता है। स्पोर्ट्स डे जो है कि वन और मोर डेज होता है साल में जिसमें कि स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, बेसिकली एथलेटिक कंपटीशन होते हैं जिसमें दौड़ना भागना कूदना, इसमें हाउस वाइज कंपटीशन होते हैं जिसको कि अलग अलग एज ग्रुप में भी बांटा जाता है, जैसे 4 to 6 का अलग जो है, 7 to 8 अलग, 9 to 12 या 7 to 9 अलग, 10 to 12 अलग, ऐसे करके अलग अलग स्कूल में बांट के स्पोर्ट्स डे कराया जाता है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो है वो हेल्प करता है कम्युनिटी को आपस में जोड़ने में, कम्युनिटी के अंदर हेल्थ के प्रति फिटनेस के प्रति अवेयरनेस लाने में। तो ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो है यहाँ से जो क्या क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स है, मैं जल्दी जल्दी एक बार पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आप रिलेट कर पाएंगे। इम्प्रूविंग फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो है ना ये हर जगह कहीं भी कॉपी पेस्ट मारेगा तो काम आ जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन से रिलेट करना है कि यहाँ ये पॉइंट यूजफुल है कि नहीं। जैसे हेल्प इन इम्प्रूविंग सोशल हेल्थ एक्स्ट्रा म्यूरल्स के द्वारा भी होता है, यहाँ भी है।
हेल्प इन लर्निंग द ओवरकम चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल, तो इसको आप वहां भी डाल दीजिए तो भी गलत नहीं है। तो पॉइंट सी अगर कहीं से कहीं यूज हो जाएगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं। हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी, एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बॉन्ड बनाने के लिए आपस में जो है कम्युनिटी के साथ खेलना कूदना, आपस में कुछ इवेंट करना, वो काम करता है। अब आइए स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे मैंने बता ही दिया कि क्या है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ रन, क्या है हेल्थ रन, लोगों को रनिंग एक हेल्दी हैबिट है, इसको इनकलकेट करने के लिए बहुत सारे एनजीओ जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बहुत सारे जो एसोसिएशन है स्पोर्ट्स के, वो हेल्थ रन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोगों में रनिंग और रनिंग और हेल्थ के आपस में जुड़ाव, और रनिंग के द्वारा हेल्थ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्थ रन ऑर्गेनाइज किया जाता है। रन फॉर फन, रनिंग एक अपने आप में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये जरूर लिखेगा, रनिंग इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब तक आदमी फिट है, देखिए दौड़ के काम करना बड़ा पसंद करता है, छोटा बच्चा देखिए हर काम दौड़ के करना चाहता है, दौड़ना उसका, हम लोग मना करते हैं दौड़ मत गिर जाओगे, दौड़ मत गिर जाओगे, लेकिन बच्चा दौड़ना चाहता है, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसको दौड़ने में नी में पेन, एंकल में पेन, रीढ़ की हड्डी में पेन होने लगता है, इसलिए दौड़ना कम कर देता है, नहीं तो दौड़ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बड़ा मजा आता है दौड़ने में। तो रन फॉर फन कहते हैं, फन एंड फ्रोलिंग के लिए दौड़ना। तो जब कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन भी ऑर्गेनाइज करती है कि देखो फन है, रन करना है अपने आप में एक फन है, उसको ऑर्गेनाइज करते रन फॉर फन के लिए। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज में बहुत तरह कॉज आते हैं, किसी बीमारी के लिए अवेयरनेस करने के लिए, कभी किसी चीज के लिए फंड इकट्ठा करने स्पेसिफिक कॉज के लिए, तो रन फॉर स्पेसिफिक नाम ही इसका। रन फॉर यूनिटी, समाज के डिस्क्रिमिनेशन जो भी है, कास्ट क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर जो एरिया का डिस्क्रिमिनेशन, उसको दूर करने के लिए बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज करती है रन फॉर यूनिटी। तो इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें चैप्टर वन के जान गए। अब फटाफट से चैप्टर टू में आते हैं, चिल्ड्रन एंड ह्यूमन स्पोर्ट्स। इसमें एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर WHO, ये मैं हमेशा कहता हूँ WHO को भूल जाइए, यहाँ आप अगर IQ से अपना लिखिएगा तो भी WHO से मैच कर जाएगा। अब छोटा बच्चा का अगर पूछ दिया व्हाट इज द WHO गाइडलाइन, तो लगभग वही है कि छोटा बच्चा जो इन्फेंट्स है 1 to 2 years, उसको क्रॉलिंग का मौका देना है, चलने का मौका देना है, पेट को लेटा दे तो चलने दीजिए, उनके हाथ पैर को मसाजिंग प्रॉपर कीजिए, यही है। अब 3 to 5 years जब जाएगा तो उसको रनिंग का मौका दीजिए, लेट देम रन फॉर 30 minutes, 20 minutes नेचुरली, उसको टाइम भी बॉन्ड मत कीजिए, नेचुरली उनको दौड़ने दीजिए, थोड़ा फ्रीडम दीजिए चलने का, होल्डिंग एंड थ्रोइंग सिखाइए 2-3-5 में, होल्डिंग किसी को पकड़ना, क्योंकि कैचिंग अभी पूरा तरह सीख नहीं पाएगा 4-5 साल तक, उसके बाद सीखना है। तो उसको अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड में बांटा गया है। तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि 2 साल के बाद, 2 to 5 years तक अर्ली है, 6 to 8 तक का मिड है, 9 to 12 तक का लेट चाइल्डहुड है, उसका 13 to 19 तक एडोलेसेंट है, उसके बाद यूथ है, उसके बाद एडल्ट है, 60 साल के बाद ओल्ड है। तो यहाँ जो है यूथ 20 to 35 years तक है, उसका 35 to 60 तक एडल्ट है, उसके बाद ये सब जो भी पूछेगा आपको, तो आपको अपना इसमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। अब जैसे ही आप एडोलेसेंट में घुसते हैं तो आपको वेट ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी ट्रेनिंग जो है आप उसको भी डाल सकते हैं कि वेट ट्रेनिंग में भी अडॉप्टेड, स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी में भी अडॉप्टेड, स्ट्रेटेजिकली, ऐसे नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ कि किस भी आप करा रहे हैं, फिटनेस भी तरह तरह होते हैं तो आप किस लिए करा रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपको अपने IQ के अनुसार जोड़ना है। एक नज़र अगर बुक पे डाल पाएंगे तो आपको आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो ऐसा होता है। आप अपने अगल बगल लोगों को देख लीजिए, छोटे बच्चों को क्या करते हुए देखते हैं, उसी को केवल रिलेट कर किया हुआ है वहाँ पर। तो इसको आगे हम लोग बढ़ते, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो हम लोग को 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़ना है, जिसमें 3 तो स्पाइनल कर्वेचर में ही आ जाता है, यानी कि इस तरह 7 हो जाते हैं, लेकिन ये किफोसी लॉर्डोसिस स्कोलियोसिस को अलग अलग करेंगे तो 7 हो जाएंगे, और स्पाइनल कर्वेचर में तीनों को डाल देंगे तो 5 हो जाएंगे। क्या क्या है, तो मैं हमेशा किताब छोड़ के मैं बोलता हूँ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की, चलिए तो चलिए नीचे से ऊपर की जीवन चलना चाहिए। नीचे में आपका फिट अगर फ्लैट है, फ्लैट फिट का मतलब जैसे अगर मेरा पैर है, ये पैर में गड्ढा, यहाँ अब ये पैर में गड्ढा नहीं रहता, यहाँ एकदम फ्लैट रहता, तो वो फ्लैट फिट कहा जाता है। उससे क्या होता है, लंबे समय तक वॉकिंग करने में दिक्कत होती है। तो फ्लैट फिट का होता है कि व्हेन द फिट पाम ऑफ द फिट, जो नीचे का फिट है, वो इफ देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप इन बिटवीन द ये ऑन द सरफेस ऑफ द ये टो, तो वहां पर जब नीचे का सरफेस जो आपका प्लेन है, अब इसको अपनी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे जो आपको लगे कि ये चीज़ से समझ जाएगा अगला, तो आप डाल दीजिएगा कि इफ देर इज नो गैप और नो स्पेस ऑफ
डीप स्पेस बिटवीन इन द ये टो सॉरी टो एंड हिल सरफेस ऑफ द लेग, तो वहां पर आप इसको कहेंगे तो स्पाइनल, इसको कहते हैं हम लोग फ्लैट फिट, ठीक है। फ्लैट फिट जो है, एक मिनट जो है फटाक देख ले, बेस जो बेस ऑफ द फिट है, अगर उसमें बेस ऑफ द फिट, इसको मैं वर्ड याद करने की कोशिश कर रहा था, बेस ऑफ द फिट जो है अगर वो पैरेलल है तो उसको फ्लैट फिट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है अगर अगर स्टैंडिंग है और ऑब्जर्व करते हैं पर्सन का पूरा फ्लैट आ रहा है वो फिट, तो अगर देयर इज नो डीप पार्ट इन द फिट, कोई भी डीप पार्ट नहीं फिट में, सारा फ्लैट है, तो फ्लैट फिट है। इसके इसके लिए आप देखिए, सब पहले सुन लीजिए क्या क्या है, उसके फटाक से मैं बताता हूँ कि किसके लिए क्या क्या करना चाहिए। ये अगर पूछ दिया, अगर आपका कोई भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो उसको क्या लिखना है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है क्या, उसका अगर चित्र थोड़ा भी बना दीजिएगा, फ्लैट फिट में सीधा फ्लैट बना दीजिए, चित्र बस बन जाएगा। नॉक नीज है तो ऐसे करके बना दीजिएगा तो सटा हुआ दिखाई देगा। आपको वहाँ ड्राइंग आर्ट नहीं दिखाना है, सिर्फ स्टिक डायग्राम से ही बता दिए अगर पतला सा कि हाँ आप जानते हैं बेसिक चीज क्या है, तो उसी से काम चल जाएगा। बो लेग सरिकट्स, पैर दूर कर दिए, उतना ही से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर फ्लैट फिट सबसे नीचे से, फ्लैट फिट सबसे नीचे, उसके बाद नी का दो प्रॉब्लम, नी अगर इफ वन इज स्टैंडिंग इरेक्ट एंड द नी इज आइदर टचिंग और कोलैप्सिंग, या टच कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आइदर टचिंग और ओवरलैपिंग टू इच अदर, अगर स्टैंड इरेक्ट होने पर, तो वो है नॉक नीज। इफ देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द नीज, दैट इज कॉल्ड बो लेग्स और रिकेट्स, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आइए, कमर, कमर का निचले का पोजिशन अगर आगे की ओर बढ़ा हुआ है, ये अधिकतर होता है बेली में फैट ज़्यादा होने के कारण, पेट में अगर वेट ज़्यादा हो गया आपका, तो जो कि बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगा तो आगे गिर जाएगा, तो हिप थोड़ा पीछे निकल जाता है और वो थोड़ा कर्व हो जाता है ताकि सी जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहे, तो वहाँ पर वहाँ उसको कहा जाता है लोर्डोसिस, नीचे वाले को लोर्डोसिस, याद रखिएगा नीचे वाले का। अब इसको याद रखिएगा, नीचे में लोड बढ़ गया तो लोर्डोसिस, इस तरह से याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, नीचे का लोड, लोअर स्पाइनल कर्वेचर अगर मुड़ गया है तो लोडोसिस। अब वही साइडवर्ड टिल्ट कर गया है, तो जैसे साइड एक साइड थोड़ा टिल्ट करेगा, एक साइड हल्का टिल्ट करेगा, तो उसको बैलेंस करने के दूसरा साइड भी हल्का टिल्ट कर जाएगा, तो हल्का एस जैसा बन जाता है, तो उसको कहते हैं स्कोलियोसिस। तो एस से स्कोलियोसिस याद रखिएगा कि हल्का इधर टिल्ट किया तो सीजी को मेंटेन करने के लिए हल्का दूसरा इधर टिल्ट कर जाता है, तो हल्का इधर जैसे टिल्ट हुआ, ये हल्का इधर टिल्ट होके हल्का सा एस बन जाता है, दैट इज स्कोलियोसिस। और जैसे चाबी जब ताले में डालते हैं तो की का आगे का भाग ये हमेशा डालते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर का भाग, की का ऊपर का भाग हो गया, वो जब आगे की ओर टिल्ट हो जाता है, ये हो गया किफोसिस। फिर से याद रखिए, नीचे का लोडोसिस, लोड नीचे पड़ गया लोडोसिस, साइडवर्ड मुड़ा तो स्कोलियोसिस, आगे वाला पार्ट मुड़ा तो किफोसिस, ये याद रखने के लिए। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर इस तीनों को स्पाइनल कर्वेचर कहा जाता है। इसके बाद ये शोल्डर अगर आगे की ओर बढ़ गया तो उसको राउंड शोल्डर कहा जाता है, इतना ही आपको पढ़ना है। अब नीचे से फिर देख लीजिए, फ्लैट फिट, नॉक नीज और बोलेक्स या रिकेट्स, नीचे का जो कर्वेचर अगर मुड़ गया नीचे साइड तो लोडोसिस, एस जैसा बन गया स्कोलियोसिस, ऊपर अगर टर्न हो गया तो लोडोसिस। अब ये सब के लिए जल्दी जल्दी सुन लीजिए, स्पाइनल कर्वेचर तीनों के लिए बीम हैंग एक्सरसाइज, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए सीधा खिंचाव जरूरी है, बीम एक्सरसाइज। आगे की ओर मुड़ा है तो भुजंगासन, आप अपने से भी आई क्यू लगाएगा, भुजंगासन आगे के लिए मुड़ा है। नीचे वाला मुड़ा है तो आगे झुके, यानी कि पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, बीम हैंगिंग के अलावा ये। अगर साइडवर्ड मुड़ा है तो तिर्यक तड़ासन, अगर इधर मुड़ा है तो ऐसे बारह मुड़ना, और इधर से अगर टिल्ट है तो इधर बारह मुड़ना। तिर्यक तड़ासन या त्रिकोणासन को अपोजिट साइड, जिधर भी कुआ उसके अपोजिट साइड। नीचे अगर नॉक नीज है तो पिलो बीच में रख के सोना, हॉर्स राइडिंग करना और इनवर्ड पैर करके चलना, ठीक है। और जब बोलेक्स है तो आउटवर्ड पैर करके चलना। अब पैर मतलब टो जो है इनवर्ड कर लेंगे जब, टो यानी पैर के आगे का हिस्सा, हील यानी पैर के पीछे का हिस्सा, तो टो अगर आगे कर लेंगे तो चलेंगे तो दबाव नी के बाहर साइड पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर नॉकनीज ठीक होगा, और इनवर्ड करके चलेंगे तो बाहर साइड दबाव पड़ेगा, तो बोलेक्स ठीक होगा। तो इसको थोड़ा सा, लेकिन बोलेक्स अधिकतर ठीक होता है प्रॉपर मसाजिंग से ही, लेकिन फिर भी आप आउटसाइड करके चलेंगे, पैर में थोड़ा दबाव डाल के चलेंगे, और जब सोएंगे और पैर दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा कुछ रबर टाइप का बांध लेंगे सीधा करके पैर में, तो धीरे 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 वो ठीक होगा बोलेक्स। और
नॉक नीच के लिए जो है वो सब चीज़ें हैं, और इंक्लाइंड सरफेस वॉकिंग, अगर इंक्लाइंड सरफेस उस पर वॉकिंग करने से भी नॉक नीच में नहीं में थोड़ा साइड साइड प्रेशर पड़ेगा, दूरी बढ़ेगी। फ्लैट फुट के लिए हील और टो वॉकिंग बहुत अच्छा है, एंड वीरिंग प्रॉपर गुड शूज, गुड प्रॉपर शूज जो है पहनने से उसमें पहले से बना रहता गड्ढा जैसा, ऐसा दबा हुआ पार्ट होता, डीप पार्ट होता, तो उसके चलते जो है वो ठीक होता है। ठीक है, कभी कभी कोई इजी वर्ड भी याद नहीं आते रहता है, जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। अब हम लोग फटाफट चले आते हैं नेक्स्ट, इसी में आगे आगे जब हम लोग आते हैं तो आता है फिर, हाँ ये गरुड़ासन जो है वो भी जो है आपका, गरुड़ासन मतलब पैर को इधर से इधर जब मोड़ते हैं ये गरुड़ासन, ये भी बहुत अच्छा है बोलेक्स या रिकॉर्ड्स के लिए। वुमेन पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट, ये बहुत आसान है। फिजिकल बेनिफिट देखिए मेल का और फीमेल का एक ही है, लेकिन फीमेल को जोड़ देना है, इम्फेसाइज कर देना है वहाँ की फीमेल के लिए ज़्यादा जरूरी जवाब लिखिएगा। तो जैसे फिट रहना जो है मेल से ज़्यादा फीमेल के लिए क्यों जरूरी, क्योंकि फीमेल जो है वो घर के कामों में रहती है, उनको फिजिकल वर्क का कम चांस मिलता है, खासकर स्पेसिफिक जो वर्क होते हैं रनिंग वनिंग वाला, क्योंकि मेल का बाहर बाहर काम है तो तेजी से बाहर गए मार्केट आए। लेकिन आज के डेट में मेल फीमेल दोनों बराबर, और फीमेल को हेल्दी रहना और ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उनको पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से संभालनी पड़ती घर भी और आजकल तो बाहर भी। तो फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो फिजिकल बेनिफिट्स हैं कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन है वो सारे फिजिकल एक्सरसाइज करने से, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से अच्छा होता है, वो उनका जो है फिजिकल एबिलिटी बढ़ती है, हार्मोनल डिसबैलेंस कम होता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट में आपका है कि उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनके जो है सोसाइटी में जो है एक जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है, और सोशल बेनिफिट सॉरी साइकोलॉजिकल में नहीं, सोशल में है कि सोसाइटी की थिंकिंग चेंज होती है, और यहाँ साइकोलॉजिकल में है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका एडेप्टेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ को जल्दी अडेप्ट कर पाती हैं किसी भी सिचुएशन को, और जो है उनका विल पावर इंक्रीज होता है, उनके अंदर जो है एक सेल्फ स्टीम की अलग तरह की भावना एक डेवलप होती है, और वो अपना रोल सोसाइटी में एक जो है समझ पाती हैं, अपना अंदर अंदर की अंदर की साइकोलॉजी अपने अंदर जो है लाती है कि हम सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। सोशल बेनिफिट में ये आ जाता है कि उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलता है, सोसाइटी का उनके प्रति बिहेवियर चेंज होता है, सोसाइटी उनको एक रोल मॉडल मानने लगती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का बिहेवियर चेंज होता है। तो इस सब को पॉइंट बना लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली बिहेवियर, ठीक है, सोशल रोल मॉडल, ये सारा सोसाइटी में डाल दीजिएगा, दो तीन पॉइंट इसमें बना लीजिएगा। ऐसे सरस्वती में पॉइंट दिया हुआ नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि किसी भी चीज़ में ना कोई कंसेप्ट को पॉइंट बना दीजिए तभी आपको नंबर मिलेगा। स्पेशल कंसिडरेशन जो है उनका मीनार्क और मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है उसको मीनार्क कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन जो उसके अंदर जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो डिलेड हो गया है या फिर बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है, तो दोनों डायफंक्शन जो है वो ठीक नहीं है, जो फीमेल एथलीट ट्राइड में फिर आएगा। फीमेल एथलीट ट्राइड में तीन चीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो अमेनोरिया में दो तरह के अमेनोरिया, प्राइमरी अमेनोरिया, सेकेंडरी अमेनोरिया। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का क्षय होना, तो अधिकतर क्या होता है कि लड़कियां जो है अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती हैं, इधर वो ध्यान नहीं देने के कारण वो टेस्टी फूड ज़्यादा खाने लगती हैं, तो ओबीज हो जाती है, जिसके अंदर परेशानी होती, और उनके अंदर भी भावना आ जाती है कि हम ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, उसके चलते वो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं लेने लगती है, दोनों के दोनों नुकसानदेह है। बिना के तार को ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ढीला भी नहीं छोड़ना, तो बीच में रहना है, बैलेंस डाइट लेना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड बॉडी, ये पांचवा चैप्टर में बताएंगे फिर। तो सिम्टम एथलीट ट्राइड है कि वो अपने आप में जो है शिथिल दिखाई देने लगेंगी, अंदर से वीक होगा, बहुत ज़्यादा दुबली हो जाएंगी, ये फीमेल एथलीट ट्राइड का सिम्टम है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी का क्षय होने लगता है, क्योंकि वो कैल्शियम अपने डाइट में कम ले लेते हैं, कैल्शियम और धूप में कम रहने के कारण विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो अपने आप हड्डी का क्षय होने लगता है। तो एमिनोरिया जो है वो जो है दो तरह का है, अगर ज़्यादा एज होने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका, तो फीमेल का, तो वहाँ पर प्राइमरी एमिनोरिया, और अगर होने शुरू तो हो गया लेकिन 3 मंथ से उससे ज़्यादा डिलेड हो रहा है अब, तो वो है सेकेंडरी एमिनोरिया। ये दोनों जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो नेचुरल प्रोसेस नेचुरली सही टाइम पर
चलते रहना चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर में दो तरह का है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये दोनों एक ही तरह है, दोनों में है होता है कि ईटिंग करने से, खाना खाने से डरने लगती हैं एथलीट्स, खासकर फीमेल एथलीट्स के बारे में, फीमेल एथलीट्स, और वो क्या करती हैं कि कम से कम खाना खाना चाहती है कि वेट बढ़ रहा है, हमेशा शीशा में देखती है अपना इमेज खराब पाती हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, जबकि वो दुबली रहती तो भी। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा थोड़ा सा फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक्सरसाइज ज़्यादा करती है और खाना कम खा के दुबली होती है। लेकिन बुलिमिया जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, बुलिमिया में जो है खाना खाने के बाद जो है उनको एक अपराध बोध होता है, फीलिंग गिल्ट कि वाई आई हैव टेकन द फूड, और वहाँ पर वो बीन्स यानी कि पर्जिंग करते हैं, यानी कि फोर्सफुली वो वोमिट कर देती है उनको उसको, और ये एक्सट्रीम चला जाता है। तो बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया दोनों ईटिंग डिसऑर्डर है, ये दोनों फीमेल में देखा जाता है। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। योगा एज प्रिवेंटिव मेजर, ये चैप्टर जो है ये बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है मैंने बताया हुआ पहले कि किस तरह से आपको जो है एक्सरसाइजेस को रिलेट करना है, क्योंकि पांच लाइफस्टाइल डिजीज आपको पढ़ने, पहले चार पढ़ने थे, अभी बैक पेन और अर्थराइटिस फिर जोड़ दिया गया है, तो पांच पढ़ने हैं। मैं जल्दी जल्दी में जाता हूँ। मैंने बताया बहुत अच्छे से याद कराया था, जैसे कि ओबेसिटी के लिए कैसे याद करेंगे, तो KTM फाड़ूस, KTM पर बाइक पर बैठा हुआ फाड़ूस आदमी, जो मेरे योगा वाले से इसमें वीडियो में होगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी रिलेट कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में। देखिए आपको ये याद रखना है, पहले तो फटाफट थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि आपका एक्सरसाइज किस किस टाइप का है, जैसे कि खड़े खड़े कौन कौन सा करना, तो हाथ ऊपर उठाए तो ऊर्ध्वस्थ तानासन, इसी को हाथ जोड़ के ऊपर उठाए तो तड़ासन, तो इसको ना आपको ना फटाक से एक बार आसन और उसके चित्र से उसके नाम को मिला देना है। मंडुकासन, मैढ़क कैसे रहता, उस तरह का आसन है तो मंडुकासन, उससे रिलेट कर लिए। वज्र जैसा पैर होकर सीधा बैठे, वज्र जैसा बैठे सीधा पैर मोड़ के तो वज्रासन, शव के जैसा लेट गए तो शव आसन, मछली जैसा अगर फर ये निकाल लिए हैं मत्स्यासन, इधर पैर मोड़ के इधर पैर मोड़ के, और दूसरा पैर उसके ऊपर रख के हाथ पीछे गए गोमुखासन, पैर के और हाथ ले गए सीधा खड़े खड़े तो पादहस्तासन, पैर सीधा करके आगे झुके तो पश्चिम की ओर उत्तान हो गया, चढ़ गया तो पश्चिमोत्तान आसन। तो नाम उसको रिलेट करके आप आसन पहले देख लीजिए, आसन 8-10 भी आपके दिमाग में आ गया तो पूरा का पूरा ये चैप्टर बना लीजिएगा आप। बेसिकली दिक्कत वहाँ होगी जब ऑब्जेक्टिव में कोई आसन के बारे में स्पेसिफिक पूछ दिया और चार नीचे अगर उसके ऑप्शन दे दिया चित्र के साथ, तो इसलिए चित्र और चित्र के साथ आसन को तो जरूर रिलेट कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तो बड़ा मुश्किल होगा आपको कि तुरंत जो है, जैसे अब यहाँ से सीधे सीधे मोड़ना, ये कटी चक्रासन, अब जैसे ये है कटी चक्रासन, तो कटे हुए चक्र के अनुसार आधा आधा चक्र मुड़ रहा दोनों, तो कटी चक्रासन, तो चित्र के अनुसार देख लीजिएगा। पवन मुक्त करने के लिए जब दोनों घुटना मोड़ के और चेहरा यहाँ से हटाते हैं तो आपका पेट पे दबाव पड़ता है, तो पवन मुक्त होता है यानी गैस रिलीज होती है। ये मत्स्य की तरह, मछली की तरह आप एक तरह से पोजिशन बना लिए तो मत्स्यासन। हलासन, हल जैसा हो गया, देखिए ये हल जैसा आकार आ गया तो हलासन। इसमें क्या है, पहले पैर ऊपर उठा के सर्वांगासन में जाते हैं, सर्वांगासन जाने के बाद सर्वांगासन में कि सभी अंग ऊपर की ओर चल गए तो सर्वांगासन। शीर्षासन से थोड़ा सा अलग है, शीर्षासन में सिर के बल है और यहाँ सिर को छोड़ के बाकी सब अंग ऊपर की ओर चले गए तो सर्वांग आसन। तो ये आगे हम जी दिखाते चित्र, ठीक है, ये हो गया हलासन, ये हल जैसा पश्चिम उत्तान, माने पश्चिम यानी पिछला भाग, उत्तान यानी ऊपर उठ गया और आगे को झुक रहे तो पश्चिमोत्तान आसन। यही आसन जब खड़े होकर करते हो तो पादहस्तासन, पैर और हाथ एक दूसरे ओर जा रहा है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध अच्छी मत्स्यासन आपने देखा था पूरा लेट गए थे, यहाँ आधा जो है पैर भी आधा एक दूसरे पर चढ़ा लिया और मुड़ गए तो अर्ध मत्स्येंद्रासन। धनुरासन, धनुष के आकार में आ गए तो धनुरासन पीछे की ओर धनुरासन। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन वज्रासन में बैठ के और उठते हैं और पीछे की ओर झुकते हैं, उष्ट्रासन। सूर्यभेदन प्राणायाम, इसमें एक नाक बाया और दाहिना नाक जो है उसमें बाया नाक से सांस लेना और छोड़ना है, सूर्यभेदन प्राणायाम। सूर्य और चंद्र कहा जाता है बाया और दाहिना को, बाया जो है शांत होता है, दाहिना जो है थोड़ा सा तीव्र होता है, तो सूर्य और चंद्र के हिसाब से ये चलता है। तो ये जब सारा आसन आप देख लीजिएगा एक एक नज़र उसको रिलेट कर लीजिएगा तो
तो उसके बाद आपका नेक्स्ट काम होता है कि पांचों जो आपको बीमारियां पढ़नी है, जैसे आपको जो ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन या आर्थराइटिस, जो पांचों पढ़ना है, इस पांचों में कौन कौन सा आसन आएगा, इस पे भी ऑब्जेक्टिव आता है। और अगर कोई आसन आता है तो इसके तीन चीजें आपको लिखनी है। पहला लिखना है उसका जो है प्रोसीजर क्या है, सेकेंड लिखना है उसका कॉन्ट्रेंडिकेशन क्या है, और तीसरा बेनिफिट क्या है। कॉन्ट्रेंडिकेशन लास्ट में लिखिएगा, पहले प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्रेंडिकेशन। बेनिफिट्स सबके लगभग एक जैसे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा बढ़ाएगा, बॉडी को जो है फिट रखेगा ही रखेगा, और बाकी जिस बीमारी के लिए बीमारी तो ठीक करेगा ही करेगा, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। आपको जो है प्रोसीजर लिखने के लिए आपको चित्र भी याद रहा ना, तो प्रोसीजर अपने खुद से बना लेना है। कटी चक्रासन, फर्स्ट वी हैव टू स्टैंड इरेक्ट, चित्र याद है आपको। एंड देन एक चीज याद रखिए, जब एक्सेल करते हैं ना, सांस छोड़ते तभी झुकते हैं तभी मुड़ते हैं, इनहेल करते तो सामने रहते हैं या ऊपर की उठते हैं। जब भी आपका शरीर पीछे की ओर उठेगा, जब भी, तो सांस लेना है, लेट गए ऊपर की उठेगा सांस लेना है, और जब भी पेट दबेगा आगे की ओर तो हमेशा सांस छोड़ना है। तो ये योग का प्रॉपर याद रखिएगा। पश्चिम उत्तानासन, तो सांस लेते समय तड़ासन उठे, लेकिन अगर ये नीचे जाएंगे जब, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि उससे अपने आप एक ऑटोमेटिकली सांस छोड़ेंगे तो जगह बनेगा, दबने में मदद मिलेगा। तो ये सारा जो है सांस लेने छोड़ने तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, लेना, रोकना, और लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, अंदर लेकर रोके अंतर कुंभक, बाहर छोड़कर रोके बहिर कुंभक। अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये देखिए कि आपका जो बीमारी उससे रिलेटेड क्या क्या है। तो जहां भी देखिए, डायबिटीज, डायबिटीज में क्या होता है, पेट और जो है दबता है, और पेट और जब दबता है चारों ओर से तो पैनक्रियाज में असर पड़ता है। तो पेट को आगे से दबाएं, चाहे साइड से दबाएं, चाहे मोड़े, वो सब आसन आपका इसमें आएगा डायबिटीज में। और वही लगभग आसन, क्योंकि बेली फैट ज़्यादा होता है तो ओबेसिटी होती है, तो वही सारा आसन आपका ओबेसिटी में भी आएगा। तो ओबेसिटी में ऐसे जल्दी जल्दी बताते, केटीएम फाड़ूस, यानी कि क्या क्या आपका आसन है। तो कटी चक्रासन, टी यानी तड़ासन, एम यानी मत्स्यासन, जाके मुड़ रहा है, पी यानी कि पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, दोनों लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में झुकता है, हलासन, ए यानी अर्धमत्स्येन्द्रासन, डी यानी धनुरासन, पीछे से दबा तो भी, यू यानी उष्ट्रासन, और एस यानी सरल मत्स्यासन या सलभासन, ये दोनों में दबेगा। तो ये सारा कुछ आपको जो है इसमें लिखना है। अब देखिए एक और चीज जल्दी जल्दी बता रहे हैं, डायबिटीज में इसी से रिलेटेड आसन रहेगा, ठीक है। डायबिटीज का मैंने जो है एक वो दिया था आप लोगों को, टू केपीएस दामूजी, टू केपीएस दामूजी, यानी डायबिटीज कब होता है, जब टेंशन ज्यादा लेते हैं आप तो उससे डायबिटीज रिलेटेड होता है, मैंने बताया था, स्ट्रेस रिलेटेड है, उसी से जो है आपका इंसुलिन का इंबैलेंस होने लगता है बॉडी में, हार्मोनल इंबैलेंस के चलते। तो अब जो है टू केपीएस यानी दो बार केपीएस, दो के है, दो पी है, दो एस है, खाली पड़े सोचते रहे, खाली पड़े सोचते रहे, कुछ कर नहीं रहे, खाली पड़े सोचते रहे, टू के पी एस, खाली पड़े सोचते रहे, खाली पड़े सोचते रहे, टू के से टू पी टू एस, इससे आसन है यहाँ पर, टू के पी एस दामूजी, ठीक है, दामूजी नाम के आदमी खाली पड़े सोचते रहे, तो इसी से सारा जो है सारा आसन रिलेटेड है। तो मैंने उसमें दिया हुआ, लेकिन आपने थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये कौन सा होगा। तो आप कोई भी ऐसा आसन मत लिखिएगा जो पेट से रिलेटेड नहीं है, पेट दबने से रिलेटेड नहीं है, तो वो वाला आसन यहाँ नहीं लिखना है। तो आप देखिए कटी चक्रासन में भी हो रहा है, पवन मुक्तासन में भी दब रहा है, पेट तो दब ही रहा है, अब सवासन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। जी यानी गोमुखासन है, योग मुद्रा जो है आपका वाई से वो भी है। तो ये सारा चीज जो है आपको देखना है यहाँ पर। उसी तरह सारे आसन में, जैसे आपको लास्ट में जो है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में ऐसे ऐसे आसन जिसमें कि आपको रिलैक्स ज्यादा हो, दबाव ज्यादा नहीं हो, सिर नीचे की ओर ना हो ज्यादा, वो जैसे सर्वांगासन है, शीर्षासन, ये कभी भूल के आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा तो आपको सारा आसन क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये सारा का सारा पूरा इसी का खेल है इस चैप्टर में, कि कौन सा आसन कहाँ जाएगा। तो ये जो है आपका थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया। अब अस्थमा में वही वही लिखना है जिसमें ये लंग्स फैले, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ऊपर की ओर हाथ ले गए पर्वत आसन ऐसे बैठ के, तो यहाँ पर फैला, तड़ासन में भी ये फैला, ये सब आ जाएगा उसमें, सब आसन हाथ फैला के लेट गए, तो ये सब अस्थमा में फायदा करेगा। तो ये जो है
गोमुखासन, गोमुखासन क्या होता है, एक हाथ इधर से जाता है एक हाथ इधर से, तो यहाँ लंग्स फैलते हैं, इधर ये लंग्स फैलता है, इधर से इधर जाता है तो ये लंग्स फैलता है। तो जहाँ भी लंग्स फैलने वाले जो एक्सरसाइज है ये सारे के सारे आपके अस्थमा में फायदा करते हैं। भुजंगासन, उठते तो यहाँ भी लंग्स फैलता है पूरा, तो ये सारा जहाँ लंग्स दबे वाला एक्सरसाइज अस्थमा में नहीं करना है, जहाँ पर ये मुड़ रहा हो दब रहा हो, यानी पाद हस्तासन, पवन मुक्तासन, इस टाइप का आसन जिसमें कि लंग्स दब रहा हो वो नहीं करना, लंग्स को चौड़ा करने वाला, लंग्स को फैलाने वाला सिर्फ आसन करना है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, तो आप सारा का सारा आराम से लिख लीजिएगा और आपको कम से कम कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अगर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि ये आसन कहाँ यूज होता है, तो अरे सर बताया था अस्थमा में दबने वाला तो नहीं होगा, तो ये सब तो नहीं होगा ऑप्शन में, यहाँ पर लंग्स फैल रहा है इस एक्सरसाइज में, इस आसन में, तो यही होगा। डायबिटीज़ और ओबिसिटी में अगर पूछ दिया तो अच्छा यहाँ पर पेट और दब रहा है क्या इस आसन में, वही होगा। अब आपका हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन को भी सिर झुकने वाला लिखा तो वो नहीं होगा। तो ये सब आपको अपने आप जो है कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बैक पेन में याद रखिए, बैक पेन लास्ट में, बैक पेन में कोई भी आगे झुकने वाला आसन बैक पेन में कभी नहीं होगा, साइड मुड़ने वाला हो जाएगा और फिर पीछे उठना, जैसे कि अर्धचक्रासन, पीछे की ओर आधा चक्र हो रहा है तो वो हो जाएगा। कारण क्या है कि अर्धचक्रासन में यहाँ पीछे की ओर जा रहे हैं। शलभासन, शलभासन पीछे पैर पर उठा रहे वो होगा। भुजंगासन आगे उठा रहे वो होगा, क्योंकि सब में रीढ़ की हड्डी पीछे साइड, पीछे साइड दब रही है, आगे सीधा या साइड ट्विल्ट हो रही है तो वो होगा। जैसे कि वक्रासन में एक पैर सीधा रहा दूसरा मोड़े मोड़ते ऐसे वक्र जैसे मुड़ जाते हैं, वक्र वक्र यानी मुड़ना, तो मुड़ते हैं तो वो सब होगा, लेकिन आगे झुकने का कोई नहीं होगा। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा तो ये चैप्टर में गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन सारे के सारे आसन अभी याद करिए तो बहुत देर हो जाएगा, लेकिन सारे सारे आसन अगर याद करने के टाइम है आपके पास तो मेरा वीडियो में वो लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा, फिजिकल आसन स्पोर्ट्स वॉस CWSN, इसमें बेसिकली आपका क्या है मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर क्या है। तो जब भी आपका नॉर्मल फंक्शनिंग में बॉडी बाधा बनती है, इफ देयर देयर इज एनी लेकिंग और लैकिंग इन नॉर्मल फंक्शनिंग इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वो है जो नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी को नहीं करने देता है। बस इतना याद रखिएगा कि विच हिंडर्स है, रोकता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी किसी भी कारण से, वो सारे कॉज डिसेबिलिटी डिसऑर्डर में आते हैं। अगर फिजिकली तो फिजिकल डिसेबिलिटी है, और मेंटली है तो मेंटल डिसेबिलिटी है। नॉर्मल फंक्शनिंग अगर हम नहीं कर पा रहे किसी कारण से तो। अब इसमें देखिए तीन चीज़ें हैं, स्पेशल ओलंपिक है। स्पेशल ओलंपिक किसने शुरू किया, तो यूनिक कैनेडी सीवर ने शुरू किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इसमें क्या क्या है, यूनिस कैनेडी सीवर ने 1960 में शुरू किया था, 1968 शिकागो में स्पेशल ओलंपिक शुरू किया था यूनिस कैनेडी सीवर ने। पैरालंपिक्स जो है वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में घायल जो सैनिक थे जिनका बम से या गोली से हाथ कट गया, पैर कट गया, हाथ पूरा काटना पड़ा, पैर पूरा काटने लगा, फिर भी जीवित है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है गटमैन, लुडविक गटमैन ने शुरू किया था 1960 में ये पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स मतलब जिनका हाथ प्रकट हुआ वहाँ शुरू हुआ, लेकिन बाद में फिर उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन होने लगा। और 1924 पेरिस में, क्योंकि इसमें कहीं नाम नहीं है दिया हुआ कि बुक में कहीं, लेकिन डेफलिंपिक्स शुरू हुआ था 1924 पेरिस। ये बेसिक तीन चीज़ एकदम याद रखिए, 1968 शिकागो जुलाई में स्पेशल ओलंपिक, यूनिक क्रेडिट रिव्यू क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1960 में रोम में पैरालंपिक्स, लुडविक गटमैन नाम और ईयर याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डेफलिंपिक 1924। तीनों का थोड़ा सा चित्र एक बार देख लीजिएगा, अभी मैं दिखा भी देता हूँ फटाक से, तो तीनों का चित्र देख लीजिएगा कि तीनों जो है उसका सिंबल क्या है, क्योंकि सिंबल कभी कोई चित्र पूछ देता है किस चीज का सिंबल है। स्पेशल ओलंपिक का ज्वाइंट हेल्पलेस टू ऑल, ऐसा जो है कभी कभी उसका वो मोटो ही पूछ देता है। फ्लेम ऑफ होप जो है उसको भी कहा है, तो फ्लेम ऑफ होप किससे जुड़ा हुआ है, तो स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। पैरालंपिक का जो है सिंबल ये है, तीन तीन ऐसा बना हुआ रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी बना हुआ क्वेश्चन में रह सकता है, तो तीन ऐसा बना हुआ अगर रहेगा, तीन तरह का छोटा छोटा चांद आपस में ऐसा जुड़ा हुआ एक जगह, तो वहां पर है पैरालंपिक का सिंबल ये।
और ये जो है डेफलिंपी का सिंबल है, ये पूछता है बहुत बार, डेफलिंपी का सिंबल ये है, तो सिंबल याद रखिएगा, कब बना याद रखिएगा, और आप बाकी चीजें अपने आप भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि पैरालंपिक जो है फिजिकली और मेंटली जितने भी डिसऑर्डर वाले लोग हैं जिनका इसके इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या क्या है। जो है इम्पेयर्ड मसल पावर अगर है, अगर मसल ठीक से जो है फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, एम्प्यूटेशन है, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, एक पैर ज़्यादा छोटा बड़ा है, इम्पेयर्ड जो है लेग लेंथ है, ये सारा कुछ इसमें जो है इसमें आ जाता है। हाइपरटोनिया, अटैक्सिया, ये जितने भी यानी कि ब्रेन से अगर सेंसरी ऑर्गन सेंसरी प्रोसेसिंग ठीक से नहीं जा रहा है, किसी किसी का रीढ़ के हड्डी के बाद से सेंसर नहीं जाता है, जैसे जिससे सेरिब्रल पाल्सी का है, सेरिब्रल पाल्सी जो कि स्टीफन हॉकिंस जी को था, तो ये सारा कुछ जो है विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये सारे लोगों को जो है अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है और ये लोग को पैरालंपिक खिलाया जाता है। तो पैरालंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक या फिर आपका डेफलंपिक, ये जो भी CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनके अंदर सेल्फ स्टीम जगाने के लिए, उनको भी उनको कॉन्फिडेंट रखने के लिए ये किया जाता है। डिविजनिंग स्पोर्ट्स पूछा, तो डिविजनिंग स्पोर्ट्स एज, सेक्स और एबिलिटी के अनुसार होता है, किसमें, स्पेशल ओलंपिक के लिए। और अगर क्लासिफिकेशन स्पोर्ट्स पूछा, क्लासिफिकेशन पूछा, तो क्लासिफिकेशन होता है पैरालंपिक के लिए। ये दोनों याद रखिएगा, पैरालंपिक क्लासिफिकेशन, डिविजनिंग जो है आपका स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। डेफलंपिक तो एक ही के लिए होता है, डेफलो के लिए, इसलिए वहां कहीं कोई क्लासिफिकेशन डिविजनिंग नहीं है, तो इसको ठीक से याद रखिएगा, ठीक है। इंक्लूसिव, इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, तो जब हम सभी लोगों को, डेफ लोगों को, फिजिकली मेंटली चैलेंज लोगों को, सारे CWSN को हम जब मेन स्ट्रीम में लाते हैं तो इंक्लूजन करते हैं, सबको जोड़ते हैं, सभी तरह के हर कास्ट क्रीड हर तरह के चैलेंज लोग जब पूरी दुनिया को स्पोर्ट्स के फील्ड में एक साथ लाते हैं और सबके लिए इवेंट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन स्पोर्ट्स। तो आप अपनी लैंग्वेज लिखेगा, व्हेन वी इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ पीपल इन वन प्लेटफॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन इन फिजिकल एंड स्पोर्ट्स, यानी हर किसी के लिए, एवरी वन हैज ए स्पोर्ट एंड एवरी स्पोर्ट्स हैज ए मैन हैज ए पर्सन, एवरी पर्सन हैज ए स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट्स हैज ए पर्सन, जब हम लोग एक लेके चलते हैं कि पूरी दुनिया के लिए कोई ना कोई, हर एक आदमी कोई ना कोई खेल में तो जा ही सकता है, और कोई ना कोई खेल ऐसा जरूर बना है जो किसी न किसी आदमी के लिए होगा, तो ये जब हम लोग लेके चलते हैं तो इंक्लूजन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। और इससे हम, इससे लोगों का सेल्फ स्टीम बढ़ता है, इससे बेटर सोशल स्किल आती है, इससे लोग एक दूसरे शामिल होता है, हायर एकेडमिक अचीवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट इन मोटर स्किल होता है, और सभी कोई। और इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो हम करिकुलम में चेंज लाकर, हमें इंक्लूसिव क्लासरूम बनाकर जहाँ हर तरह के बच्चों को बैठने का जगह हो, हर किसी के लिए एडजस्टेबल इन्वायरमेंट हो, हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इक्विपमेंट्स मॉडिफाइड करके, एक्टिविटीज रूल्स मॉडिफाइड करके, और हम लोग सभी को शामिल कर सकते हैं, CWSN को हम लोग स्पोर्ट्स में शामिल कर सकते हैं, मेडिकल चेकअप प्रॉपर करा करके, किस तरह से क्या हम उनको क्या करा सकते हैं, इक्विपमेंट जो हम ठीक करके, स्पेशल इन्वायरमेंट बना के, हर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है, स्पेशल एजुकेशन टीचर को इसीलिए ट्रेंड किया जाता है कि कैसे आप CWSN के साथ पॉजिटिवली और इफिशियंटली डील कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सारा कुछ ये, ओलंपिक का सिंबल सब कोई जानता है, ओलंपिक का सिंबल जो है पैरालंपिक का सिंबल, और डेफलंपिक का सिंबल जो है अभी मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और एक और सिंबल यहाँ पर है, ये है इसका स्पेशल ओलंपिक का। तो ये तीनों सिंबल जो है याद रखिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में फटाक से चलते हैं, पांचों चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का, इसको मैं जल्दी जल्दी डील करता हूँ, ऐसे मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में बना हुआ है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने याद कराया हुआ सबको टेक्निक, मेरा जो मेन वीडियोज है उसमें क्या है कि मेरे पास टाइम रहता है एक एक वीडियो में ज़्यादा अच्छा, तो मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे कैसे याद करना, तो उसको आराम से मैं समझाता हूँ टेक्निक बता के, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ फिर भी इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक को टच कर देने के लिए। बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट में दो चीज़ याद रखिएगा, इन अप्रोप्रिएट, एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट, एक शब्द याद रखिएगा, दूसरा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल, दो चीज को खाली रिलेट कर दीजिएगा, यही है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि हर आदमी का नीड अलग है, जो मेहनत कर रहा बहुत उसके लिए अलग है और सामान्य लोगों के लिए अलग है, तो ये दो चीज जैसे बैलेंस डाइट, डाइट विच कंसिस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट्स इन एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट मैनर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल, बस इतना आप कर लीजिएगा।
मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड इन रिलेशन टू आवर हेल्थ। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो बॉडी मैक्रो यानी बड़ा होता है, माइक्रो छोटा होता है। तो जो बॉडी में ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत क्या क्या है बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा जरूरत है, फैट का ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन का ज्यादा जरूरत है, वाटर का ज्यादा जरूरत है, रफेज का ज्यादा जरूरत है, ये सब चीजें जो है मैक्रो मिनरल्स में आती हैं। अब देखिए यहाँ न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट अलग होता है। न्यूट्रिटिव मतलब जिसे न्यूट्रिशन मिले, नॉन न्यूट्रिटिव जिसे न्यूट्रिशन नहीं मिले। तो वाटर डाइट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, रफेज डाइट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है हम लोग के खाने के लिए। मैक्रो यानी जो ज्यादा माइक्रो मतलब कम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है मिनरल विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब इसमें जो है आपको ये याद रखना है कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन किन चीज़ों पर उनका बेसिक फंक्शन क्या है, और फैट किन किन चीज़ों पर पाया जाता है उनका बेसिक फंक्शन क्या है। तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से कार्बोहाइड्रेट बना है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O के कॉम्बिनेशन में है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है इजीली असिमिलेट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इतना याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में समय ओज लगा जाता है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज तो कॉमन सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि सबको जानता है, ग्लूकोज सबको घोल के पीता है, ग्लूकोज हर कोई को मालूम है। लेकिन यही ग्लूकोज जब ग्लैड होकर लेता है तो गैलेक्टोज हो जाता है, जब जिसके माल ज्यादा है वो जब लेता है तो माल्टोज हो जाता है, जो जीवन कुछ लैक कर रहा है तो लैक्टोज होता है, याद करने के लिए सिर्फ है, लैक करता है लैक्टोज, असुख में लेता सुक्रोज। तो ओज ओज लगाने वाले इसको जो है जो ग्लैड होकर ले तो गैलेक्टोज, तो इस तरह से इसको याद करने के लिए है, ठीक है। तो सिंपल जो ग्लूकोज कौन सा है, तो जो इजिली सिमिलेटेड वाटर, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सिंपल ग्लूकोज का गुण है कि इजिली सिमिलेटेड वाटर क्रिस्टलिन नेचर, ये क्रिस्टलिन नेचर होता है। कॉम्प्लेक्स और सिंपल केमिकल इसका ये केमिकल बॉन्ड होता है, सिंपल केमिकल बॉन्ड होता है इसलिए जल्दी घुल जाता है। कॉम्प्लेक्स केमिकल बॉन्ड वाला होता है, नॉन क्रिस्टलिन होता है, नॉट इजिली असिमिलेटेड वाटर होता है, कौन सा, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिर्फ चार है, डेक्सट्राइन है, ग्लाइकोजेन है, और डेक्सट्राइन ग्लाइकोजेन दो और याद नहीं आ रहा है, डेक्सट्राइन है, ग्लाइकोजेन है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, और सेल में बनता सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्राइन, ये तीन भी काफ़ी है, ये चौथा भी याद है। प्रोटीन, प्रोटीन जो है बॉडी में अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है उसका चैन रिएक्शन होता है बनने का, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फैट और कार्बोहाइड्रेट बना है, लेकिन प्रोटीन में इसमें साथ में ऐड है फॉस्फोरस भी, नाइट्रोजन भी, तो ये जो है सल्फर भी ऐड होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी में अमीनो एसिड्स में टूटता है, 23 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9 बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इतना सब चीज़ याद रखिएगा। अब जब पूछेगा किन चीज़ों में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा वो सारे ग्रेन्स जो दो बराबर भागों में नहीं टूटते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ये सारे चीज़, जौ, बाजरा, ये सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और जो भी हल्का मीठा जैसा लगता है खाने में सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, चीनी और फिर आलू, तो ये जितने चीज हैं उसमें थोड़ा थोड़ा जहाँ मीठापन हल्का सा भी है वो सब में कार्बोहाइड्रेट है। और जो भी दाल, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं जो दो बराबर भाग टूट जाती है, जैसे सारे दाल ऑल पल्सेस दो भाग बराबर टूट जाता है, काजू दो बराबर भाग टूट सकता है, बड़ा वाला बादाम गिरी दो बराबर भाग टूट रहा है, राजमा दो बराबर भाग टूट जाता है, जैसे छिलका हटा के दो बराबर टूट जाएगा, तो ये सारा चीज में प्रोटीन होता है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को अलग करने के लिए। और अब जो है जिस चीज़ में ऑयली सेंस आता है, कहीं भी चिकनापन आता है, वो सारा कुछ, जैसे कि नारियल भी सूख जाए तो वहाँ पर दबाएगा तो चिकनापन सेंस आएगा, और सूरजमुखी का फूल है वो भी सूख जाएगा अगर दबाएगा, थोड़ा सा चिकनापन टाइप का उसमें आएगा, सरसों दबाएगा तो हल्का चिकनापन टाइप का आएगा, ये सारा फैट का है, तो कॉमन चीज़ें याद रखें, ऐसे घी और बटर और ये सब तो लिखना कॉमन है ही, तो इसको याद रखने के लिए। सोर्स यूज, फैट का यूज है टिश्यू जो सेल्स और इसको बॉन्ड्स को लिक्विडिटी बनाए, मैंने उसमें फ्लूडिटी बनाए रखना, यानी कि उनको रगड़ से बचाने के लिए फैट का जरूरत पड़ता है, एक बॉडी में एक लेयर बनाने के लिए, बॉडी को सेफ्टी रूप देने के, सेफ्टी के लिए भी फैट का उपयोग होता है, हल्का भी फैट नहीं रहे तो चोट ज़्यादा जल्दी लग सकती है, तो हल्का फैट जो प्रॉपर शेप एंड साइज देने के लिए। और सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी भी फैट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जब लैक हो जाता है तो सेकेंड सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फैट है। जैसे प्रोटीन टूटता है अगर एनर्जी में तो 4.1 कैलोरी लगभग देता है,
कार्बोहाइड्रेट 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है अगर 1 ग्राम प्रोटीन टूटता है तो, लेकिन अगर फैट टूटता है तो 9.1 देता है। लेकिन लेकिन इसको टूटना थोड़ा मुश्किल होता है फैट का, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर बॉडी का चाहिए उतना लाना पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट को लैक होने के बाद भी वो होता है, इसलिए 20-30 मिनट से स्ट्रेनस एक्टिविटी करने पर ही फैट टूटने शुरू होता है। अगर आप थोड़ा एक्टिविटी करके हमेशा रुक जा रहे हैं या हल्का सा थकते रुक जाते हैं तो आपका फैट नहीं गलेगा, ये आगे एक चैप्टर में हम लोग समझेंगे। प्रोटीन जो है वहाँ हो गया, फैट्स हो गया, फैट्स में 76:12:12 के रेशियो में जो है वो कार्बोहाइड्रेट ये जो है तो कार्बन जो है तो 76, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 12:12, इसलिए जल्दी टूटता नहीं, ट्राइग्लिसराइड्स में टूटता है तो इसका, इसलिए फैट जो जल्दी गलता नहीं है। प्रोटीन तो बहुत ही रेयर ही एनर्जी के लिए यूज होता है, क्योंकि प्रोटीन अगर यूज होगा तो फिर सेल ज़्यादा टूटने लगेगा, क्वासिकोर नाम का डिजीज भी हो जाएगा, तो इसलिए प्रोटीन जो है बहुत ही इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पर वाटर का यूज आप तो सब जानते हैं, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। विटामिन और मिनरल्स को जल्दी मैं बताया था, मिनरल्स में जब भी कभी आएगा तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, विटामिन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये तो हर जगह अधिकतर जगह डाल दीजिएगा, हर जगह के लिए लगभग सही हो जाएगा। यूज क्या क्या है तो आप सब जानते हैं कि कैल्शियम का यूज जो है वो, कैल्शियम का और फॉस्फोरस का, दोनों का यूज जो है आपका हड्डी बनाने में होता है, ठीक है। पोटेशियम जो है नर्वस सिस्टम के लिए है, सोडियम भी मस्कुलर एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम के लिए है, मैग्नीशियम जो है बॉडी सेल को रिपेयर के लिए, मैग्नीशियम को मैग्नेट से जोड़ दीजिएगा, ये बॉडी जो है हमारा सिस्टम है उसको जो है बॉडी के सेल्स को आपस में अटैच करने के लिए, जोड़े रखने के लिए है हमारे डिफरेंट जो है बॉडी सेल्स को। इसको याद करने के लिए मैक्रो मिनरल क्या है, मैक्रो क्या है मैंने समझाया हुआ है लेकिन जल्दी से बताता हूँ। मैक्रो मिनरल क्या है, बड़ा बड़ा बॉडी में 0.1 ग्राम मैक्रो मिनरल चाहिए डेली हर, और माइक्रो 0.01 ग्राम चाहिए। मैक्रो मिनरल को याद करने के लिए मैंने बताया था फॉस्फोरस के रस, बड़ा सा कड़ाह में फॉस्फोरस का रस है, इसमें 4 यम्मी चीजें, यम वाली डूबी हुई, यम यानी क्या तो सोडियम कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, 4 यम यम, तो ये याद रखिए पांचों, तो आपको याद रहेगा। मैक्रो कभी भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मैक्रो मिनरल है या माइक्रो है तो आप उसको कर सकते हैं। माइक्रो क्या क्या है, 2I3C, 2R है तो भी 3 दिखाई दे रहा है, 2I लेकिन 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी 2I से 3C से है, आयोडीन आयरन क्रोमियम कॉपर कोबाल्ट, तो इस तरह से याद करिएगा इसको। आगे विटामिन्स, विटामिन्स में जो है ADEK ABCDEK ये सारे विटामिन हैं आपके। विटामिन ए जो है ये कभी कभी साइंटिफिक नेम आ जाता है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, डी को जो है कैल्सिफेरोल कहा जाता है, क्योंकि डी कैल्शियम को पचाने में, D3 जो है वो कैल्शियम को पचाने में मदद करता है, बॉडी में कैल्शियम अगर आप कोई सब्सटेंस ले रहे हैं विटामिन डी की कमी है तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो विटामिन कैल्शियम को ऑब्जर्व करने विटामिन डी चाहिए, तो यानी कि विटामिन डी का कैल्सिफेरोल से रिलेटेड है, ए रेटिनॉल से है, ई जो है टोकोफेरोल है जो है, और बी का कॉम्प्लेक्स जो है वो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, इसको मैंने B12 इसको मैंने याद कराया था, इस तरह की B1 यानी कि एक कौन है तो राजा, तो था में राजा तो थियामीन, B2 यानी दो कपल, दो लोग कपल होते हैं तो दो लोग क्या हो गया तो राइबो, लड़का का नाम फ्लाविन, लड़की का नाम राइबो फ्लाविन, तो थियामीन B1, राइबो फ्लाविन B2, B3 गांधी जी का तीन बंदर जुड़ेंगे तो नए तरह का सीन क्रिएट करेंगे तो नियासीन, B5 पांचों में पांचों उंगली 5 फिंगर्स में एक तरह का एसिड है जिसको बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर कर सकते हैं आप, तो पेंटाथेनिक एसिड। 6 यानी कि यूनुक या ट्रांसजेंडर लोग को हम लोग 6 भी कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज में, ये कहने का मैं सपोर्ट नहीं करता लेकिन स्लैंग लैंग्वेज में उसको उनको कहते हैं 6 से रिलेट करके, तो वो जो है जब पेयर में वो लोग भी होते हैं, पेयर में दो लोग रहते हैं तो भी सीन क्रिएट करते हैं, पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन पैराडॉक्सिन 6 को 7 मतलब कि बायोलॉजी के लैब में टीना का डब्बा में कुछ पेंट रखा है इसको फेंकते हैं तो रेनबो बन जाता है, 7 colors of rainbow, तो बायोलॉजी के लैब में टीन का डब्बा में है तो बायोटीन। 9 यानी कि 9 प्लैनेट्स, क्योंकि ऐसे तो 8 है लेकिन हमें अभी भी हम लोग इंडियन जो कल्चर है उसमें 9 ग्रह हम लोग लेके चलते हैं, तो 9 ग्रह के जो दोष होते हैं उसको दूर करने के लिए, तो 9 ग्रह में प्लैनेट्स में फैला हुआ एसिड तो फॉलिक एसिड, और 12 यानी केला से रिलेट कर दिया क्योंकि हम लोग दर्जन में केला लेते हैं कोबालामीन, केला को अगला कोबाला मैंने क्या बोले तो कोबाला मीन, मैं बोलता हूँ कोबाला मीन, तो ये इससे रिलेट कर दिया तो साइंटिफिक नेम हो गया आपका विटामिन बी का। विटामिन बी
इनका वाइड रेंज है उसका फंक्शन का, इसलिए कुछ भी पूछेगा तो मेंटल से लेकर सब कुछ में हम मदद करता है विटामिन बी। लेकिन हाँ, सी जो है वो आपका स्किन से रिलेटेड है, एंटीबॉडी से रिलेटेड है, डी जो है आपका बोन एंड टीथ से रिलेटेड है, और ई जो है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स से रिलेटेड है, जो है ई जो है स्किन से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है, तो ई हो गया। के ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ए जो है आपका आई साइट से रिलेटेड है, और ये सारा कुछ हो गया उसका फंक्शन। और मैंने जैसे कहा ग्रीन लीफी वेजिटेबल हर जगह जोड़ सकते हैं, और उसको साथ में अगर कुछ भी एक दो भी याद रहा तो साथ में रिलेट कर सकते हैं वहाँ। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर डाइट में, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट मैंने पहले ही बता दिया। नॉन न्यूट्रिटिव में वाटर आता है, रफेज आता है। नॉन न्यूट्रिटिव में रफेज जो है बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, रफेज हम लोग को लेना चाहिए। कुछ कलर कंपाउंड है जैसे, और कुछ एसेंस है जो डाले जाते हैं सिर्फ कलर स्वाद के लिए, उनमें नहीं होता है, उन सबको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट और डाइट कहा जाता है, जिसमें कि रफेज ज़्यादा जरूरी है। कलर कंपाउंड और बाकी एसेंस तो नहीं लेना चाहिए, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारा एडेड जो है कलर रहता है, जैसे जलेबी में डालते हैं, कोई चीज़ डालते हैं कलर के लिए, तो वो जो है। टी एंड कॉफ़ी भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट है, ये दूसरे जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करता है कि शरीर में ब्लड ज़्यादा फेंक देने के लिए, इसलिए वो शरीर में नींद तोड़ने का काम करता है। द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग जो है, यहाँ डाइटिंग का पिटफॉल आप लिखिएगा कि लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ाएगा, आपका गैस फॉर्म ज़्यादा होगा। बहुत बार डाइटिंग जो ओबेसिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आदमी बहुत देर तक नहीं खाता है तो बाद में ज़्यादा खा लेता है तो फैट ज़्यादा जमने का चांस होता है। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ जो है कैलोरीज जो है वो ठीक नहीं है, और फ्लूड की भी कमी, बहुत बार ज़्यादा फ्लूड भी हो जाता है, फ्लूड की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जब खाना कम खाते तो प्यास भी कम लगती है, बहुत बार नहीं पीते, और बहुत बार क्या होता है प्यास ज़्यादा लगने लगती है, ज़्यादा पी लेते हैं, तो इम्बैलेंस होता है। और जब आप डाइटिंग करते हो तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो बॉडी का जो है सिस्टम भी गड़बड़ाता है, क्योंकि जब आप डाइटिंग में एक्सरसाइज करना नहीं चाहें, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्यास लगेगी और ज़्यादा भूख लगेगी, तो एक्सरसाइज करना मना रहता है डाइटिंग में, तो वो भी एक तरह से नुकसान करता है। फूड इंटॉलरेंस क्या है, तो बॉडी में डिफरेंट चीज़ें पचाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स का अब्सेंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम्स इन आवर बॉडी कॉजेज फूड इंटॉलरेंस, क्योंकि उसको ठीक से हम पचा नहीं पाते हैं। और कभी कभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव या सम काइंड ऑफ विटामिन लेने से भी बॉडी रिएक्ट करता है, क्योंकि बॉडी को उतनी जरूरत होती नहीं है, तब उस रिएक्शन को भी फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। फूड मिथ क्या क्या, बहुत सारे मिथ हैं फैले हुए कि जैसे पैकेट जो है चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा हेल्दी होती हैं, ये मिसकॉन्सेप्शन है। पोटैटो में क्यों फैट, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। बनाना और एक साथ नहीं लेना चाहिए, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। और फैट फ्री प्रोडक्ट्स जो है रियल में फैट फ्री करता है, ये एकदम मिसकंसेप्शन है इसको, क्योंकि पूरा तरह से फैट फ्री कुछ होता नहीं है, जानबूझ के सिर्फ लिखा जाता है, आप स्टार नहीं पढ़ते हैं कि वहाँ पर मिनिमाइज किया हुआ सिर्फ रहता है बस। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट, ये भी गलत है। जहाँ जहाँ जरूरत है, ज़्यादा सूखा चीज़ खा रहे तो आपको पानी थोड़ा थोड़ा पीना ही चाहिए, हल्का हल्का ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन डोंट टेक मिल्क इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग ईटिंग फिश, ये भी कोई मिसकंसेप्शन, इसे कुछ भी होता नहीं है, मीट या फिश के बाद भी आप दूध ले सकते हैं। ऐसे इसलिए बोला जाता है कि एक ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लिए हुए तो दूसरा न्यूट्रिएंट्स तुरंत क्यों लें, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करता है। एक्सरसाइज मेक्स यू मोर ईटिंग मोर, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बहुत एक्सरसाइज करते फिर भी बैलेंस्ड खाते हैं, तो ये सारे मिसकंसेप्शन जो है आपके हैं। इम्पॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या टूर्नामेंट्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ याद रखना है, प्री में हमेशा आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ाते जाना है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करना है। ड्यूरिंग में जो आपको फ्लूड इंटेक ज़्यादा करना है, लिक्विड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। पोस्ट में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, इसको खाली याद रखें, क्योंकि पहले आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, ताकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बॉडी में रहेगा तो आप स्पोर्ट्स में अच्छा एक्टिविटी पार्टिसिपेट करेंगे। स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट करते हैं, पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो लिक्विड फ्लूड ज़्यादा लेना है। पोस्ट में अब सेल बहुत सारा टूट चुका है तो उसको बनाने के लिए प्रोटीन ज़्यादा लेना, बस इतना याद रखिएगा। टेस्ट एंड मेजरिंग स्पोर्ट्स, अभी इसमें जो है आपका जो है फिटनेस टेस्ट में साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है। टेस्ट कभी भी लिखिएगा तो टेस्ट का पहले जो है इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर और लास्ट स्कोरिंग, ये तीन अगर लिखे हैं आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उससे रिलेटेड अगर चित्र बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
एग्जामिनर चेक करते बड़े खुश होते हैं चित्र देखकर कि चित्र से यानी उसका कंसेप्ट क्लियर है, उससे बहुत अच्छे ड्राइंग बने लेकिन सिस्टम सिम्बॉलिक भी बना दिए तो भी पता चल जाता है कि आपको आता है। जैसा सबसे पहले आपका जो है बैटरी टेस्ट एज ग्रुप 5 to 8 के लिए जो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट दो भाग में है, 5 to 8 के लिए, 9 to 18 के लिए। 5 to 8 क्लास 1 to 3 के लिए तीन चीजें करनी है आपको। BMI निकालना है, पहले BMI निकालने हर कोई आप लोग जानते हैं, बहुत बार बता चुके हैं इसलिए मुझे नहीं लगता जरूरत है। वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन टू हाइट, हाइट इन मीटर्स, वो निकाल लेना है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, स्टैटिक बैलेंस, कहीं भी जमीन पे खड़े होकर पैर उठा लिए, बड़े लोगों के लिए जब फ्लेमिंगो करेंगे तो उनको एक ऊंचा सरफेस दे देंगे पतला, वहां पर पैर उठाने बोलेंगे, लेकिन छोटे बच्चे को लोग कहीं भी खड़े हो गए इसको मेजरिंग कर सके ना, 60 सेकंड में कितना बार गिर रहे हैं। अगर 30 सेकंड में 15 बार ज्यादा गिर जा रहे हैं तो उसको तो टर्मिनेट ही कर देना, किसी थोड़ा बैलेंस नहीं है। और ऐसे 60 सेकंड में कितना बार गिरे, कोई भी बार नहीं गिरा और एक पैर पर पूरा बैलेंस बना लिया, बहुत सो मच सो गुड। ऐसे 60 सेकंड सुनने में बड़ा कम लग रहा है लेकिन ज्यादा होता है खड़े होकर देखिएगा तब। कोऑर्डिनेशन टेस्ट में प्लेट टैपिंग टेस्ट होता है। प्लेट टैपिंग टेस्ट में बस याद रखना है कि साइड साइड वाला गोल रहता है जो 20 सेंटीमीटर का डायमीटर का रहता है, बीच वाला 30 by 20 का रहता है, बीच वाले के सेंटर से 60 दोनों ओर रहना चाहिए पूरा रेंज, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ का पूरा रेंज इधर और इधर होना चाहिए, उतनी ही दूर पर लगा देना आपको, सेट कर देना है। बीच वाले में कोई भी एक हाथ आपका रहेगा रेक्टेंगल वाले में, और एक बार दोनों साइड टच करेंगे पॉजिटिवली सही सही तो उसको एक टैप बोला जाएगा, एक राउंड ऑफ टैप, और 60 सेकंड में आप कितना टैपिंग दोनों और कर पा रहे हैं उसी से आपको काउंट होगा कितना ज़्यादा आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा है छोटे बच्चों के लिए। तो प्लेट टैपिंग टेस्ट, ये तीनों टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो बड़े बच्चों के लिए होता है जो टेस्ट बैटरी बड़े के लिए, उसमें भी BMI पहले नाप लेते हैं, फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए एब्डोमिनल कोर स्ट्रेंथ के पार्शियल कर्लअप। देखिए कर्लअप जो हम पूरा लेते हैं ना, पूरा सिटअप्स मारते हैं तो रुकना पड़ता बहुत बार, तो एक रिदम ब्रेक हो जाता है। पार्शियल कर्लअप हम लोग फास्ट कर सकते हैं, तो पार्शियल कर्लअप हम लोग करते हैं कि कितना कर पा रहे हैं। देखिए उसका मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको लिखने का ढंग क्या है, पहले इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, तो अपने दिमाग लगाएगा इसमें क्या चीज़ चाहिए होगा। तो एक मैट चाहिए होगी जिसमें हम कर सके, 1 मैट और एक क्या, तो एक स्टॉप वॉच, बस इतना ही काफ़ी है। जहाँ पर आपका प्लेट टेपिंग है तो एक एडजस्टेबल टेबल हाइट कर सकते, एडजस्ट हो जाए टेबल, और उसके बाद 3 तरह का आपको प्लेट जो जो आकार है उसका स्पेसिफिक आकार का, तो वो वही लिखना है। तो आपको जो है ना क्या क्या चीज़ चाहिए, BMI निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, तो हाइट मेजरमेंट का स्टूल चाहिए, 1 हाइट मेजरिंग बार, और एक वेट मशीन, एक वेइंग मशीन, और एक रिकॉर्डिंग के लिए पेन पेपर, तो ये इतना काफ़ी है। तो इस तरह से आपको अपना दिमाग लगा कि पहले इक्विपमेंट लिख लेना है, फिर प्रोसीजर जो है जब आप जान गए तो प्रोसीजर लिख लीजिए, लास्ट में स्कोरिंग, ये तीन चीज़ें आप लिखते जाइएगा। पार्सल क्लब बस वही है कि आपका आपने कितना किया 30 सेकंड में, वो पूरा प्रोसीजर की पहले लेट जाना है, जैसे स्टार्ट बोला जाए तो करना है उसको, प्रोसीजर में बांट दीजिए, पॉइंट वाइज प्रोसीजर बांटिए तो और आसान है। मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए पुशअप फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। बॉयज के लिए पूरा फुल पुशअप, और मॉडिफाइड पुशअप में क्या, घुटना टच रहेगा जमीन में और पुशअप मारना, अगर एक भी बार किताब देखेंगे तो आपको याद होगा। 50 मीटर डैश मतलब 50 मीटर जो है कितना तेजी से आप दौड़ सकते हैं। 600 रन वॉक, 600 मीटर दौड़ना है या चलना आपके ऊपर, लेकिन जितना जल्दी कंप्लीट कीजिएगा उतना आप फिट माने जाएंगे। सीट एंड रिस्ट टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मैं बैठा हुआ और आगे झुका तो मेरा सीधा पैर पे कितना आगे तक हाथ निकल सकता है, जितना सेंटीमीटर हाथ आगे जाता है उतना पॉइंट काउंट होता है, उसके अनुसार ये टेस्ट होता है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है ब्रावा के एंड अदर्स के द्वारा जो है, सॉरी हाँ ब्रावा एंड अदर्स के द्वारा 1943 में ये निकाला गया था। इसका प्रोसीजर क्या है कि 60 इंच जो है, 20 इंच जो है बॉयज के लिए और 16 इंच गर्ल्स के लिए, ये जो है क्या स्टूल रहेगा, उस स्टूल पर एक पैर से जो भी आपका स्ट्रांग पैर उससे खड़ा होना है, पूरा सीधा ऊपर जाना है नीचे आना, सीधा ऊपर जाना नीचे आना है, ये चित्र के अनुसार। तो जिसको लेडर क्लाइंबिंग में हम लोग करते हैं, सीढ़ी में क्या करते हैं ऊपर चढ़ते हैं, तो एक एक सीढ़ी करके चढ़े, यहाँ एक ही सीढ़ी पर चढ़ना उतरना है, और ये करना है 5 मिनट के लिए, 300 सेकंड के लिए। 300 सेकंड करने के बाद जैसे ही आप ये स्टार्ट बोला गया ये किए, तो इसमें क्या चाहिए आपका, बेंच चाहिए, स्टेबल बेंच, स्टॉप वॉच,
और आपका जो है पल्स बीट मेजरिंग इक्विपमेंट, तो स्टॉपवॉच के द्वारा भी कर लेते हैं हम लोग पल्स गिन के, लेकिन उसका एक अपना इक्विपमेंट आता है जिससे कि आराम से आप बैंड लगा दिए तो वो आपका मेजर कर लेगा कि कितना देर में कितना हो रहा है पल्स बीट। तो ये पल्स बीट को नापने के लिए तीन चीज़ें चाहिए इसमें। तो 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे स्टार्ट किया गया 5 मिनट तक इसको कंटिन्यू करना है आपको, 5 मिनट कंप्लीट होते ही 1 मिनट के बाद 1 से 1.5 मिनट तक पल्स नापा जाता है कितना तेज चल रहा है, फिर 2 से 2.5 मिनट का नापा जाता है, फिर 3 से 3.5 मिनट का नापा जाता है। तो जनरली क्या होगा, पहले तेज चलेगा, दूसरा में थोड़ा स्लो होगा, तीसरा में थोड़ा और ज़्यादा स्लो होगा। तो कितना जल्दी आप स्लो डाउन हो रहे हैं और किस हिसाब से स्लो डाउन हो रहे हैं, उसी का पूरा मेजरमेंट किया था हार्ट रेट स्टेप टेस्ट में। तो ये उसका जो है फॉर्मूला पूरा क्या हुआ, फॉर्मूला जिससे निकाला जाता है स्कोरिंग के लिए, कैलकुलेशन ऑफ स्कोर कैसे निकाला जाता है, तो फिटनेस इंडेक्स स्कोर 100 × टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, तो 300 सेकेंड, तो 100 × 300 ऊपर रहेगा, तो आपको लिखना 100 × टेस्ट ड्यूरेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई, कभी निकालने भी दे देता है कि एक आदमी इतना पल्स बीट इतना डाउन हुआ, बताइए क्या होगा उसका, तो 100 × 300 ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय 2 × सम ऑफ ऑल पल्स बीट, तीनों पल्स बीट। अगर कहीं एक ही दिया है तो शॉर्टकट मेथड में एक से भी निकल जाता है, लेकिन मेन जो होता है सही ढंग से कि कितना कितना नीचे डाउन है, तो तीनों को पहला एक से डेढ़ के बीच मिनट के बीच, 1 to 1.5 मिनट के बीच अगर उसका 43 था, 2 से 2.37 था और घट के 28 हो गया, घटता ही है, हर किसी का घटता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो कितना जल्दी स्लो डाउन हो, तीनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर 30,000 से भाग दे दिए, तो यहाँ पर हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका निकलता है, एक निकाल के यहाँ दिखाया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट बहुत आसान है, इसमें जो है 400 मीटर का एक ट्रैक होना चाहिए, स्टॉप वॉच होना चाहिए और वेट स्केल होना चाहिए, और यहाँ पर वीओ टू मैक्स नापने के लिए आपको 1 माइल जो है आपको तेजी से चलाया जाएगा, उसके बाद आपका बॉडी वेट के अनुसार एज के अनुसार कितना जो है आपका हार्ट रेट रहा उससे इसका निकलता है, ये जल्दी पूछता नहीं है। कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को कैसे नापा जाता है, तो आप सब जान ही गए हैं कि आपके रेस्टिंग टाइम में जो आपका हार्ट बीट है उसको नापा जाता है। हाउ टू कैलकुलेट रिक्लियन जोन सीनियर सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है अधिकतर। रिक्लियन जोन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में जो है आपका जो है चेयर स्टैंड टेस्ट में क्या होता है, हर किसी में जो है प्रोसीजर क्या है कि 60 सेकंड के लिए हर किसी में इसको, सॉरी 30 सेकंड्स के लिए हर किसी में एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे चेयर सिट एंड रीच में जो है आपका 44 सेंटीमीटर ऊंचा एक चेयर रहेगा, 44 सेंटीमीटर ऊंचा चेयर पर वो बैठेंगे और उठेंगे, हाथ क्रॉस ऐसे लगे रहेगा, बैठेंगे और उठेंगे, और 30 सेकंड कितना बार कंप्लीट ठीक से बैठे उठे उसको काउंट करके स्कोरिंग की जाती है चेयर स्टैंड टेस्ट में। ये लिखा जाता है, ये किसके लिए किया जा रहा है, तो ये क्या आता है लोअर मसल का, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ नापने के लिए। कर्ल अप ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। कर्ल अप जो है इसमें 5 पाउंड का वेट रहता है, 5 पाउंड का डंबल का वेट रहता है फीमेल के लिए, और 8 पाउंड का होता है मेल के लिए डंबल का। उसमें 30 सेकंड में कितना बार आप सीधा हाथ और मोड़ रहे हैं, ये पूरा जो है स्कोर किया जाता है, ठीक है। चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, इसमें एक पैर मुड़ा था, एक पैर सीधा रहता है चेयर बैठे बैठे, और जो सीधा पैर है उसको झुक के छूना है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है रिक्लियन जोन्स का, तो ये 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए होता है। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन सा फिटनेस टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है। तो ऊपर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए जो है नापने के लिए होता है आपका चेयर सीटेड स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट जो होता है आर्म कर्ल टेस्ट ये होता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए नापने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए सीट एंड रीच टेस्ट होता है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आर्म स्क्रैच टेस्ट होता है, बैक स्क्रैच टेस्ट पीछे छूने में कितना बच रहा है तो माइनस मार्किंग होगा, यहाँ टच हो गया पीछे से आकर तो जीरो हो गया, और ओवरलैप हो रहा है तो जितना ज़्यादा एक दूसरे को टच कर पाए उतना पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, इसके अनुसार ये चलता है।
एट फुट अप एंड गो टेस्ट जो होता है ये आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को नापने के लिए होता है। एट फुट पे कोन लगा दिया जाता है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, गो बोला, तेजी से गए बिना कोन को टच किए, तेजी से घूम के आके फिर से कुर्सी पे दोबारा बैठे, तो इसका जो टाइम नोट किया जाता है उसके अनुसार जो है आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज नापी जाती है कि कितना क्विक आप बॉडी रिएक्ट कर रहा है और कितनी जल्दी जो है आपका काम हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इससे स्पीड भी बॉडी का, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज एंड स्पीड दोनों नापा गया। 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है इसमें जो है जब लिखा ही हुआ कि वॉक टेस्ट है 6 मिनट, अभी 6 मिनट यानी कि एंड्योरेंस, यानी कि एक उम्र के बाद भी आपका एंड्योरेंस कितना बचा हुआ है उसको इसमें देखा जाता है, ठीक है। एक नया टेस्ट ज्वाइन किया है, जॉनसन मिथली टेस्ट। जॉनसन मिथली टेस्ट में 4 चीजें हैं जिसमें 3 चीजें मेल फीमेल दोनों के लिए है, चौथा जो है सिर्फ मेल के लिए है। फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न, ये नया जुड़ा हुआ है। कल मैंने जो वीडियो बनाया है कि न्यूली एडिट टॉपिक्स उसमें इसका बनाया हुआ है, लेकिन एक बार चित्र देख लीजिए, इस चित्र को ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। इस तरह का चित्र अगर बना दीजिएगा तो आपको इसी चित्र को देखकर ही एक तरह से आधा नंबर मिल जाएगा जॉनसन मिथली टेस्ट का आया तो इसमें जो है आपका 18-18 इंच का बॉक्स बनाते जाना है। पहला 18 को डार्क ज़्यादा करना है, दूसरा 18 छोड़ के फिर तीसरा 18 को थोड़ा डार्क करना है, चौथा छोड़ के पांचवा करना है, छठा छोड़ के सातवा करना है, आठवा छोड़ के नौवा करना है। इस तरह से 10 पूरा ब्रैकेट बनेगा, तो दूसरा चौथा पहला तीसरा पांचवा सातवा नौवा जो है उसको जो है पहला तीसरा पाँचवा नौवा को डीप करना है। अब इसमें करना क्या है, फ्रंट रोल जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये 3 फीट चौड़ा है और 15 फीट लंबा है, तो जो है सॉरी 12 इंच 24 इंच 24 इंच जो है यहाँ पर लंबा है, 15 फीट जो है पूरा का पूरा इसका लंबाई है और 2 फीट इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 2 फीट का मतलब होता है आपका जो है 1 फीट में आपका सेंटीमीटर कितना होता है, 1 फीट में आपका होता है 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर करीब हो गया। इस चौड़ाई में आपको चलना है और ये इसके बाद सिंपली आपको पहला जो है फ्रंट रोल क्या है, फ्रंट रोल जब करेंगे 2 फ्रंट रोल पूरे के पूरे एरिया में करना है आपको। फ्रंट रोल में अगर साइड निकल गए तो 2 पॉइंट कट जाएगा, 2 फ्रंट रोल सही से किए तो 10 मार्क्स, अगर साइड निकल गए 2 मार्क्स कट जाएगा और आगे निकल गए ज़्यादा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। 2 फ्रंट रोल अगर अंदर कर लिए 7.5-7.5 फीट के अंतर्गत कर दिए तो आपका 7.5 फीट के अंदर तो टोटल मार्क्स मिलेगा 10। उसी तरह बैक रोल सेम टू सेम है, बैक में अगर सही से ही कर लिए तो 10 मार्क्स, थोड़ा साइड निकल गया 2 मार्क्स कटा, अगर सीधा में ज़्यादा चल गया तो 1 मार्क्स कटा। इस तरह से आपका जो है ये चलता है, ठीक है। जंपिंग हाफ टर्न में जो आपका ये बना हुआ है, ये चीज़ बना हुआ है, तो यहाँ से जंप करेंगे तो इधर जाएंगे तो आधा इधर मुड़ेंगे लेफ्ट साइड, तो फिर अल्टरनेट आधा मुड़ेंगे, अल्टरनेट टर्न करना है लेफ्ट राइट और इसको पूरा 4 बार पार करना है। तो इसको अगर सही से ही पार किए तो 10 मार्क्स, इसमें भी अगर गलत करेंगे तो आपका 2 मार्क्स कट होगा, ठीक है। और अगर कर ही नहीं पाएंगे एक्टिविटी ठीक से तो 0 मार्क्स हो जाएगा। और फुल टर्न सिर्फ मेल के लिए, मैंने एक बार जंप किए तो उल्टा फिर सीधा खड़े हुए, फिर उल्टा सीधा खड़े हुए, इस तरह करके 4 अगर सही किए तो 10 और गलत करते जाएंगे तो उसमें 2 मार्क्स कटेगा। तो इस तरह से करके टोटल आपका प्रोसीजर है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। फिजियोलॉजी एंड यूरिन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी एंड यूरिन स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर आपको इसमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, क्या क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, तो आप अपने आईक्यू से भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दे रहे हैं। स्ट्रेंथ इंक्लूड किया था साइज ऑफ मसल से स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। बॉडी ट्विच फाइबर, वाइट ट्विच फाइबर ज्यादा है तो मसल का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, रेड होगा तो एंड्योरेंस ज्यादा होगा, तो रेड वाले में रेड ट्विच फाइबर लिखना है, व्हाइट वाले में व्हाइट ट्विच फाइबर, प्रेजेंस ऑफ व्हाइट ट्विच फाइबर। बॉडी वेट, जिसका बॉडी वेट ज्यादा होता है उसका मसल वेट भी ज्यादा होता है, मसल वेट ज्यादा होता है तो वो जो है ज्यादा एनर्जेटिक होता है। लेकिन दो लोग बराबर वेट के, किसी का मसल वेट ज्यादा है किसी का बॉडी वेट ज्यादा है, तो फिर फायदा किसको मिलता है, तो मसल वेट वाले को। तो बॉडी वेट में लिख दीजिएगा मसल वेट शुड बी ग्रेटर। और मसल कंपोजिशन वही वाइट ट्विच फाइबर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स, और एक चीज़ बहुत कॉमन है स्ट्रेंथ के लिए कि इंटेंसिटी अगर नर्व इंपल्स का ज़्यादा होगा तो हर एक सेल अपने आप में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी अचानक रिलीज करेगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगा, यानी एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ का।
फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड, स्पीड के लिए मोबिलिटी ऑफ नर्व इंपल्स, कितना अच्छे से मोबिलिटी हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर बॉडी में ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स ये ज्यादा है, मसल कंपोजिशन में इसमें भी अगर वाइट टिश फाइबर तो स्पीड ज्यादा होगा, इसमें स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ज्यादा होगा अगर वाइट टिश फाइबर ज्यादा है तो। और बायोकेमिकल रिजर्व सोर्स, बायोकेमिकल रिजर्व सोर्स यानी कि ज्यादा एनर्जी का सोर्स है तो ब्लस्ट ऑफ एनर्जी ज्यादा कर पाएगा। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन जो कि मैंने कहा एरोबिक कैपेसिटी, सांस ज्यादा लेके अगर ज्यादा ऑक्सीजन हमेशा अंदर ले पाएंगे तो वही काम करता है क्योंकि ये एरोबिक है, वो स्ट्रेंथ अचानक लगाना, स्पीड ज्यादा लगाना एनारोबिक है, तो एरोबिक है, एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा होगी बॉडी की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक काम कर रहा है, तभी आप एंड्योरेंस एक्टिविटी को ज्यादा लंबा सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बॉडी में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है ज्यादा लंबा करने पर, उसको सस्टेन करने के लिए लैक्टिक एसिड बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मूवमेंट इकोनॉमी यानी कि सही ढंग से मूवमेंट किया तो ज्यादा लंबा कर पाएगा। और मसल कंपोजिशन में फिर वही लिखना है कि रेड टिश फाइबर ज्यादा है तो एंड्योरेंस ज्यादा होगा, व्हाइट टिश फाइबर में स्पीड और स्ट्रेंथ, रेड टिश फाइबर में एंड्योरेंस। यहां से आपका नेक्स्ट आ गया है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपका है कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट का सही प्रकार अगर ज्वाइंट अगर गलत है तो ठीक से नहीं कर पाएंगे आप। मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, मसल स्ट्रेचिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए आपकी, और एज एंड जेंडर इसको इफेक्ट डालता है। ठीक है, प्रीवियस इंजुरी, अगर इंजुर्ड के जो भी पार्ट है, जैसे कि मेरी इंजुरी थोड़ा यहाँ लेफ्ट इसमें हो गई तो पीछे जाना थोड़ा कम हो गया, नी में इंजुरी होने के कारण नी की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, इंजुरी जो है उसको इफेक्ट डालती है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम, याद रखिएगा डिफरेंट सिस्टम में पूछ सकता है तो आपको सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी अगर है तो उसे रिलेट कर देना क्योंकि आपको बेनिफिट ही दिखाना है यहाँ पर। और लास्ट में नोट में लिख सकते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन हार्म दिस कोई भी सिस्टम को, तो जो भी सिस्टम के बारे में पूछ दे तो आपको पॉजिटिव चलना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इंजुरी इसमें फिर आता है स्पोर्ट्स इंजुरी, स्पोर्ट्स इंजुरी जो है उसमें चमड़े से रिलेटेड क्या क्या इंजुरी देख लीजिए, छिल गया एब्रेजन, ठीक है, अंदर अंदर जो है ब्लीडिंग हुआ रेड जैसा बन गया तो कंट्यूजन यानी हल्का सा है, अगर कोई नुकीला चीज से कट गया तो इंसीजन, कोई रुखड़ा चीज से पूरा फट गया कट गया तो लेशरेशन। ठीक है, और ये सारा हो गया स्किन से रिलेटेड। अब ये मसल में अगर कुछ इंजुरी हुआ, मसल में अगर कुछ ओवरलैप या गैप हो गया तो स्ट्रेन, चाहे कहीं का हो, और लिगामेंट्स में अगर हो गया तो स्प्रेन, ये सारे इंजुरी आपको पढ़ना है। हड्डी में हो गया अगर कुछ डिसलोकेशन यानी ज्वाइंट साइड का डिसलोकेशन, अब बीच से कहीं हड्डी टूट गई तो फ्रैक्चर, ये सारे इंजुरी आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ टाइम कम है फिर भी मैं फटाफट फिर से सुन लीजिए, स्किन में छिल गया तो एब्रेजन, स्किन के अंदर कहीं ब्लड आ गया लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है कंट्यूजन, उसको ब्रूज भी कहते हैं, ब्रूज में काला या नीला दाग हो जाता है, और थोड़ा सा दोनों अलग है लेकिन ये दोनों रिलेटेड है। नुकीला चीज से अगर सीधा कट गया कहीं भी तो इंसीजन, अगर थोड़ा सा रुखड़ा चीज और बुरी तरह से फट गया, फट के कट गया है इस चीज से भी बड़ा मुश्किल हो रहा बांधने में तो वो हो गया लेसरेशन, ये हो गया स्किन के अंदर। मसल में अगर ओवरलैप या गैप हो गया ड्यू टू सडन एक्सर्ट या ओवरलोड, कि भी ओवरलोड या सडन एक्सर्ट के कारण अगर ऐसा हो गया है तो मसल में हो गया तो स्ट्रेन, और लिगामेंट्स में हो गया तो स्प्रेन। अब ये सब में अधिकतर चीजों में क्या किया जाता है, तो जहां जहां कटा होटा है तो अगर ये माइल्ड है तो उसको वॉश कीजिए और तुरंत जो है फॉरन एलिमेंट को हटा कर और एंटीबायोटिक लगाइए, और कटा लेसरेशन और ब्यूज ज्यादा अगर है तो इमीडिएट कंसल्ट टू डॉक्टर, अगर सीवियर है तो। हर चीज में यही लिखना है आपको, माइल्ड है तो आप खुद से कीजिए लेकिन अगर सीवियर है तो इमीडिएट जो है। अब मसल में अगर ओवरलैप और या हो गया है तो माइल्ड का सिम्टम क्या है, हल्का पेन है, लाइट पेन है, लॉस ऑफ मूवमेंट कम है, दर्द तो है लेकिन हम लॉस ऑफ मूवमेंट उतना नहीं है, और अगर टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट और एक्सट्रीम पेन है तो फटाफट डॉक्टर पास जाइए, अपने कुछ भी मत कीजिए। फ्रैक्चर जो है उसमें तो कभी भी अपने से कुछ नहीं करना है, फ्रैक्चर ये 5-6 तरह का है, नाम से याद करें, ग्रीन स्टिक में मुड़ जाता है, हरा डंडा मुड़ जाता है टूटता नहीं है, तो छोटे बच्चों की हड्डियां बहुत मुड़ जाती टूटती है तो इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिटी किससे बनती है, दो या दो से ज्यादा पीपल रहेंगे तभी, तो दो या दो ज्यादा जगह हड्डी टूट गई तो कम्युनिटी। अगर यहां से टूटा और आर पार दिखाई दे रहा है, मैं टूटा हुआ है और आर पार दिखाई दे सकता है तो वो ट्रांसवर्स है, और
अगर मान लीजिए टूटा ऐसे तिरछा, अगर तिरछा टूटा हुआ तो ऑब्लिक है क्योंकि इधर उधर से पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा तो ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स ऑब्लिक फ्रैक्चर। और अगर टूट के एक दूसरे धस गया है तो वो होता है इंपैक्ट, एक दूसरे पे प्रभाव डाला, इंपैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। और अगर टूट कर किसी हार्ट में या किसी इस तरह के पार्ट पे चला गया है जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है तो उसको भी इंपैक्ट में डाला जाता है, लेकिन एक और उसके लिए नाम है, देख लेते हैं। सिंपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, उसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, ठीक है। कंपाउंड या कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो होता है वो कम्युनिटी से बना है, कंपाउंड भी आप जान रहे हैं, दो या दो ज्यादा जगह पर टूट गया था, कम्युनिटेड फ्रैक्चर दो या दो ज्यादा जगह पर कट गया, इंपैक्ट जब एक दूसरे पर चढ़ गया तो इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ज्वाइंट कैसे डिसलोकेट, ये सारा का एक ही चीज है कि आपको इमीडिएट कंसल्ट द डॉक्टर है और ट्राई टू मेक द पेशेंट स्टडी वाइल गोइंग टू द डॉक्टर, ये दो चीज जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ है। और इसका कॉज क्या है, तो प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं है, रूल्स का जानकारी नहीं है, डोंट ओबेइंग द रूल्स, इनडिसिप्लिन जो है एक्टिविटीज़ है, इक्विपमेंट फॉल्टी है, तो बॉडी जो है ठीक से वार्म नहीं, लैक ऑफ वार्मिंग अप नहीं है, तो ये सब इसके कारण में आते हैं। ये यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ, हम आगे आते हैं। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जब मैकेनिकल लॉज का लिविंग बींग पर इस्तेमाल होता है, खासकर ह्यूमन बींग्स पर, तो उसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं। और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स तो पूरा का पूरा वही है जब ह्यूमन के बॉडी मूवमेंट्स का मैकेनिकल लॉज का क्या प्रयोग है। इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्या है, तो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में पढ़े होंगे, जो कॉमर्स वाले 11-12 में छूट गया होगा, लेकिन लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, तो लॉ ऑफ इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ये जो लॉ ऑफ रिएक्शन है ये तीन है। तो इसका स्पोर्ट्स में क्या क्या प्रयोग है, तो स्पोर्ट्स में है जब भी हम किसी स्टैटिक पोजिशन में दौड़ने के लिए तो हमको इनर्सिया के चलते दम लगाना पड़ता है, और अगर तेजी से दौड़ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए दम लगाना पड़ता है। तो ये जो है लॉ ऑफ इनर्सिया जो है वो उसको ठीक से समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है बॉडी में, कि दौड़ रहे अचानक में रुकेंगे तो गिर सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया के चलते, इसलिए उसको धीरे से बैलेंस करना है। बॉल तेजी से आ रहा, अचानक में रोक देंगे तो चोट लग जाए, उसको हल्का सा खींच लेना अपनी ओर ताकि उसको धीरे से रोक पाए, रोके। और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन यानी कि कोई भी चीज़ अगर को जिस 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 बल जिस जितना भार है वस्तु का और जिस ओर हम ले जाना चाहते हैं उसी के अनुपात में उनको बल लगाना पड़ेगा। फुटबॉल को अगर किक करना है तो आपको सही ढंग से किक करेंगे तभी सही जगह जाएगा, बहुत ज़्यादा बल बनाएंगे तो एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा दूर चल जाएगा, कम करें तो उसका एक्सीलरेशन कम रहेगा, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और लॉ ऑफ इक्वल अपोजिट रिएक्शन का तो हर जगह इस्तेमाल होता है, वह आप लोग आराम से, जैसे इक्वल अपोजिट जब हम स्विमिंग करते हैं आगे की ओर दम लगा पीछे की ओर खींचते हैं पानी को आगे जाते हैं, इस पाइक या पैर को जितना तेज से पीछे की ओर मारते हैं हम आगे जाते हैं, नीचे को जितना मारते हैं ऊपर जाते हैं। जब हम गन चलाते हैं तो उसका याद रखना चाहिए कि वो पीछे इंपल्स देगा तो उसको सटा के रखना है, क्लोज रखना है। तो ये सारे को ना स्पोर्ट्स से रिलेट करना है आपको, और ये सारा लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन याद रहेगा तो आप स्पोर्ट्स का एक एग्जांपल डाल दीजिएगा, आपको नंबर इसमें आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। इसको याद कराने के लिए मैंने कहा था लाइफ फाइल फ्यूल, LIFE लाइफ, FILE फाइल, FUEL फ्यूल। इसमें सेकंड वाला को गोल कर दीजिए, तो लाइफ का आई गया, फाइल का आई गया और फ्यूल का यू गया, ये जब कवर हो गया तो लाइफ का क्या बचा, तो LFE बचा, यानी फलक्रम। ये हड्डी जो है ना पूरा फलक्रम है हमारा, तो ये फलक्रम, फलक्रम के बाद यहाँ पर कोई लोड दे दो तो लोड, फलक्रम लोड, और अगर मसल का यहाँ से पावर लग रहा है तो फलक्रम बीच में है, लोड उधर है और एनर्जी इधर है, तो लोड एनर्जी जब साइड साइड में और फलक्रम बीच में होता है तो फर्स्ट क्लास लीवर। फाइल FLE यानी जब लोड बीच में रहता है, फलक्रम साइड में होता है और एनर्जी उस साइड से लग रही है तो सेकेंड क्लास लीवर। और फ्यूल, फलक्रम जब एकदम साइड में होता है और ई एनर्जी बीच में लग के लोड साइड में होता है, तो वो लोड एकदम साइड होता है, एनर्जी बीच से लगा रहे हैं, तो ये सबसे खराब माना जाता है थर्ड क्लास लीवर। तो स्पोर्ट्स में प्रयोग करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि फर्स्ट क्लास लीवर को हम ज़्यादा इस्तेमाल करें,
जैसे सी सॉ को आप एग्जांपल दें, सी सॉ जो बच्चे खेलते हैं वो फर्स्ट क्लास लीवर में है, यानी कि अगर एक साइड हम लोड एनर्जी डालते हैं तो दूसरा लोड उड़ जाता है, इधर इधर वाला एनर्जी बढ़ाता है तो इधर का लोड उड़ जाता है। तो ये इस टाइप का जो आपको रिलेट करना है कि कब हम जो है फर्स्ट क्लास, कब सेकंड क्लास, कब थर्ड क्लास, स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज इसको रिलेट कर देना है आपको क्लास वन लीवर का। जब हम लोग जैसे फर्स्ट क्लास लीवर एग्जांपल है नेक को साइडवर्ड ले जाना, तो हमारा फलक्रम बीच में है, इधर का मसल जब एनर्जी देगा तो इधर को सपोर्ट देता है, इधर लूज हो जाता है, और जब इधर का एनर्जी देता है तो इधर लूज हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। जब जंप करते हैं हम लोग तो सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल होता है, जंप करते हो तो नीचे की ओर हमारा पुश एनर्जी जाता है, ऊपर की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा फलक्रम जो है फलक्रम जो है पहले हो गया, नीचे की ओर गया, और लोड बीच में हो गया, फलक्रम नीचे क्योंकि नीचे की हम धक्का दे तो फलक्रम नीचे बना, लोड बीच में हो गया, एनर्जी ऊपर से देते हैं हम, यहाँ से थाई से एब्डोमेन से एनर्जी देते हैं। तो उस तरह से क्लास थ्री लीवर जो है जैसे हम पुशअप मारते हैं तब वहाँ क्लास थ्री। तो इसको एग्जांपल में आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स में डाल देना है, और लास्ट में नोट जो लिखना है कि एवरीवन शुड ट्राई, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन शुड ट्राई दैट इन एवरी एक्टिविटीज बॉडी शुड मेंटेन फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास लीवर एंड इग्नोर थर्ड क्लास लीवर, ताकि एनर्जी ज़्यादा कम खर्च होता है फर्स्ट क्लास, सबसे कम खर्च होता है फर्स्ट क्लास लीवर बनाने में सेकंड क्लास में। तो जब मैकेनिकल लॉज लगाते हैं तो हम लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लीवर को ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम मींस होता है बैलेंस, जो कि मैंने सीजी का सेंट्रल ग्रेविटी यानी बैलेंस। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है, तो जितना बेस ब्रॉड रहेगा उतना ज़्यादा जो है, तो ब्रॉडन द बेस तो वो इक्विलिब्रियम बनाता है। जितना सीजी नीचे रहेगा, सेंट्रल ग्रेविटी जितना नीचे रहेगा उतना बैलेंस ज़्यादा रहेगा, इसलिए पैर फैला के तो झुक गए, सीजी नीचे चला गया, सेंट्रल ग्रेविटी नीचे, तो बॉडी का मास ज़्यादा नीचे आ गया तो बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी फील्डिंग करते समय, वॉलीबॉल डिफेंस करते समय थोड़ा झुकने के लिए, थोड़ा पैर फैला के बैठने के लिए कहा जाता है, ताकि बैलेंस ज़्यादा रहे। तो इक्विलिब्रियम में बैलेंस जो है वो बेस ब्रॉड होना चाहिए, सीजी नीचे होना चाहिए, ये लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। फ्रिक्शन जो है वो क्या है, तो जब भी दो सरफेस बीच में कंटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, ये एक ऐसा दुश्मन है जो कि जरूरी है। फ्रिक्शन एकदम नहीं होता आदमी चल ही नहीं सकता, पीछे खींचेगा पीछे गिर जाएगा। तो फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो भी आदमी ठीक से नहीं चल पाएगा, अब फ्रिक्शन एकदम नहीं होगा तो भी नहीं चल पाएगा। तो प्रॉपर फ्रिक्शन जरूरी है। तो प्रॉपर फ्रिक्शन के लिए हम लोग स्पाइक पहनते हैं, क्योंकि तेज दौड़ते समय पैर पीछे को न खिंचाए तो स्पाइक का नेल बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया तो धंस जाएगा, तो चल ही नहीं पाएगा, बहुत छोटा रहेगा तो फिसलने का डर रहेगा। तो उसको बहुत प्रयोग के बाद एक नेल का साइज दिया जाता है, किस नेल का साइज में किस तरह के ट्रैक में आप दौड़ सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैं बैठा हुआ हूँ और ये किताब यहाँ पड़ा हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन जैसे हम इसको धक्का देंगे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है डायनेमिक में बदल जाएगा, क्योंकि दोनों टच तो है लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन, क्योंकि हम एयर में गए नहीं है तो डायनेमिक फ्रिक्शन काम कर रहा है क्योंकि सरफेस टच है। डायनेमिक फ्रिक्शन अब दो तरह का होता है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब गोल गोल एक ही चीज़ एक ही वस्तु का अलग अलग पार्ट रोल करके अगर कंटेक्ट में आ रहा है दूसरे सरफेस में तो रोलिंग फ्रिक्शन, और जब एक ही पार्ट स्लाइड कर रहा है और संपर्क में रह रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का जो है उसमें स्ट्रेंथ कम लगाना पड़ता है, इसीलिए प्राचीन काल से ही गोल गोल चीज़ें प्रयोग में आने लगी चक्के के रूप में, और आज पूरा का पूरा दुनिया रोलिंग फ्रिक्शन पर पहले काम करता है, सारा जितना गाड़ी चलता है रोलिंग फ्रिक्शन पर चलता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जहाँ पर दो चिकना चीज़ मिलता है और प्लेन है वहाँ पर स्लाइडिंग भी काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे स्लेजिंग ये सब करते हैं हम लोग बर्फ पे जो स्लाइडिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है स्लाइड्स में। अब प्रोजेक्टाइल, जब भी किसी चीज़ को हवा में थ्रो किया जाता है उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन एयर, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन एयर, इसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, जैसे ज़्यादा रेंज बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 पे रहेगा तो सबसे ज़्यादा जाएगा, ये आप लोग सब जानते होंगे। क्या क्या उसको इफेक्ट करता है, तो एंगल, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगा तो कम जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा जाएगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा रहेगा ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। थ्रोइंग एरिया रिलेटेड टू लैंडिंग एरिया, अब थ्रोइंग एरिया ऊपर है, लैंडिंग एरिया नीचे है, इंक्लाइंड है तो ज़्यादा ट्रेवल करेगा।
अगर थ्रोइंग एरिया नीचे है, लैंडिंग एरिया ऊपर है, पहाड़ की ओर फेंक रहे हैं तो कम दूर ट्रेवल करेगा। तो तीन चार चीज़ें याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मास ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो है लैंडिंग एरिया रिलेटेड टू थ्रोइंग एरिया, ये दोनों का रिलेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पांचवा ये भी डाल सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस, अगर हवा आगे से चल रही है तो भी कहीं रेजिस्टेंस है तो भी प्रोजेक्टाइल को इफेक्ट करता है। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। साइक्लोजी स्पोर्ट्स, साइक्लोजी स्पोर्ट्स में सबसे पहले बिग फाइव थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसको आप लोग ओशियन से पढ़े होंगे। ओपननेस, इससे कॉन्स्टिट्यूशनस, और ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीबलनेस, और एन से न्यूरोसिटिज्म, ठीक है। तो बिग फाइव थ्योरी सबसे पहले है, और बिग फाइव थ्योरी को याद रखने के लिए कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन जो है किस तरह के हैं, तो उसके लिए है इसको इस कंसाइंटिसनेस, तो साइंस वाले स्पेलिंग याद रखिएगा, कौन साइन, एस सी आई ई एन टी, साइन सी टीसनेस, ट्यूसनेस टी आई ओ यू एस एन एस, तो इसका ना प्रोनाउंसिएशन के साथ याद है कंसाइंटिसनेस, तो ऐसे याद रहेगा। तो आप पांच बिग फाइव थ्योरी को बता दे रहे हैं कि कैसे याद रख सकते हैं। तो पांच जो है ना कॉमन ए बी सी डी ई का जानवर लिख लीजिए, ए से एफ, बी से बैट, ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं कि वन से किंग, इस एक जगह मैंने यहाँ याद कर, ये ज़्यादा आसान है, वन से किंग, टू से कपल, और थ्री से जो है मंकीज, क्योंकि गांधी है तीन बंदर, और फोर जो है व्हील्स ऑफ कार, और फाइव यानी फिंगर्स, इससे अगर कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसके गुण क्या क्या है। फटाफट मैं बता देता हूँ, जो है सबसे पहला जो है किंग, राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा जो है न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करने वाला होना चाहिए, नॉलेज वाला होना चाहिए, जो है ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, और उसके अंदर जो है न्यू लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सब पहला का गुण है, ठीक है। ओशियन का ओ, ओपननेस, ओपननेस लगता है, ओपन माइंडेड, ऐसी। सी से कॉन्साइंक्यूसनेस, कॉन्सेंटिसनेस मतलब कॉन्सियसनेस उसमें ज़्यादा रहता है, यानी वेल मैनेज रहेगा, वेल मैनर्ड रहेगा, कपल लोग तभी साथ रह सकते हैं जब सिस्टमेटिक रहे, ऑर्गेनाइज रहे, वेल मैनर्ड रहे, और जो है चीज़ों को ठीक ढंग से सीखना, डिसिप्लिन रहे, तो ये सब कॉन्सेंटिसनेस वाले हो गए। थ्री जो है मंकीज, तो मंकीज जो है अपने आप में बाहर ज़्यादा एनर्जी देते हैं, दूसरे को देखकर चिचड़ाते हैं, दूसरे पे दौड़ते हैं, तो वो है एक्सट्रोवर्जन, जो आप बाहर की एनर्जी देता है वो एक्सट्रोवर्जन, जो हमेशा दूसरों की बातों को सुनना चाहता है और दूसरों से बात करना चाहता है, अपनी एनर्जी को बाहर थ्रो करता है, वो एक्सट्रोवर्जन। फोर्थ व्हील्स ऑफ कार, व्हील्स ऑफ कार कार क्या होता है, जिधर आगे जाता है पीछे वाला भी उधर ही जाता है, तो एग्रीबलनेस, एग्रीबलनेस वाले लोग इजीली अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, नए लोगों से मिलना चाहते, मिलनसार होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बड़े ओबीडियंट होते हैं, तो एग्रीएबलनेस में आगे नाम ही लग रहा है, एग्रीएबल, एग्रियल, जल्दी एग्री करने वाले। और पांचवा फिंगर क्या होता है, पांचों फिंगर जो है अलग अलग तरह का चीज कुछ इंडिकेट करता है, थम्स अप, थम्स डाउन, ठीक है, तो जो हम इधर से इशारा करते हैं किसी को, ये नंबर वन, या विक्ट्री का साइन देते हैं, सिर्फ बीच वाला उंगली किसी को नहीं दिखाना चाहिए और दिखाएगा भी मत, इसका अलग सिग्नल होता है। तो ये मतलब कि डिफरेंट जो है एक्टिविटी, यानी हमेशा मूडी रहना, टेंस रहना, ये न्यूरोसिटीज माने कि एकदम इंबैलेंस है, पांचों अलग अलग तरह का है, तो पांचों अलग तरह माने माइंड जब अगर बैलेंस नहीं रहे, मूडी रहे, टेंस रहे, हमेशा जो है नेगेटिव में रहे, तो न्यूरोसिटीज में उसको कहा जाता है। तो बिग बाय थ्योरी ऐसा है। जूम का थ्योरी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट माने अंदर रहने वाला, एक्सट्रोवर्ट माने बाहर रहने वाला, और एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि जो दोनों से मिले, जैसे एम्बीवर्ट होना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां इंट्रोवर्ट रहिए, जहां जरूरत रहे वहां एक्सट्रोवर्ट रहिए। डायमेंशनल पर्सनैलिटी, फिजिकल डायमेंशन जो कि आपको बाहर सामने दिखाई दे रहा है, मेंटल डायमेंशन जो कि बातचीत करेंगे तब पता चलेगा, और उनको जब ऑब्जर्व करेंगे तब पता चलेगा। सोशल डायमेंशन, सोसाइटी में किस तरह मैनेज करें, सोशल डायमेंशंस, और इमोशनल डायमेंशंस, जब हम साथ रहते हैं तो पता चलता है इमोशनली कितना बैलेंस्ड है। तो ये चारों डायमेंशन अगर किसी का पॉजिटिव है तो वो बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी का है, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी का है, ठीक है। बिग फाइव थ्योरी हो गया, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन।
मोटिवेशन मतलब डिराइव हुआ है मोटिव से, जिसके जिसके जीवन का कोई मोटिव है, इंटरनल मोटिव है तो आपका इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल कहीं से मोटिव प्राप्त कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। किसी भी चीज़ को काम करने का आपको प्रॉपर मोटिव कोई दे पा रहा बाहर से तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, और अंदर से आया तो इंटरनल मोटिवेशन। तो इसका मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक जो अंदर से आया, एक्सट्रिंसिक जो बाहर से आया। तो ये दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। सीएच के अनुसार द ड्राइव टू स्ट्राइव, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए अंदर से ड्राइव लाना ही, कहीं से बाहर या अंदर से ड्राइव लाना ही वो जो है आपका मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो है उसका टेक्निक क्या है, तो गोल सेटिंग, गोल अगर आपका क्लियर है, जो मैं क्लास में बोलता हूँ, जो जिसका नहीं होता क्लियर गोल वो घूमता रहता गोल गोल, कहीं पहुँच नहीं पाता है, तो इसलिए क्लियर गोल होना चाहिए। और स्पेक्टेटर्स आपका जो है, जो आपके कलिग्स हैं वो भी आपका मदद करते हैं गोल सेटिंग में, स्पेक्टेटर्स जो है उसमें जो है मोटिवेशन का काम करता है वहाँ पर, आपके फ्रेंड सर्कल मोटिवेशन का काम करते हैं, आपके वर्बल कमेंट्स मोटिवेशन काम करते हैं, और हिप्नोटिज्म भी मोटिवेशन का काम करता है, हिप्नोटाइज कर देना किसी को कि नहीं तुम कर सकते हो, तो ये एक तरह हिप्नोटाइज है। आपके प्रोग्रेस का नॉलेज, आपके रिजल्ट का नॉलेज, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस जो है वो आपका मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशनल म्यूजिक मोटिवेशन काम करता है, मोटिवेशनल स्टोरीज मोटिवेशनल एग्जांपल्स मोटिवेशन काम करता है, प्राइजेस ट्रॉफीज ये सब मोटिवेशन का काम करते हैं आपके। एक्सरसाइज एडरेंस क्या है, तो एक्सरसाइज से जुड़े रहने की कैपेसिटी एक्सरसाइज एडरेंस है, और एक्सरसाइज एडरेंस जरूरी है आज के डेट में। जो एक्सरसाइज से जुड़ा रहता है, जो फिट रहता है वही हिट रहता है, तो आप एक्सरसाइज से जुड़े रहे वही एक्सरसाइज एडरेंस है। एक्सरसाइज एडरेंस इज अ कैपेसिटी टू एडॉप्ट एक्सरसाइज शेड्यूल इन डेली लाइफ, तो वो जो है इधर मतलब जुड़े रहना। रीजन्स टू एक्सरसाइज जो है आप सब जानते हैं क्यों जरूरी है, वो आप लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज एडरेंस के लिए क्या है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स को जाना चाहिए, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, पीयर ग्रुप में एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज के शेड्यूल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, एक्सरसाइज के जो है के लिए हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, एक क्लियर गोल बनाना चाहिए कि इतने दिन में इतना हम वेट कम करेंगे या इतना फिट रहेंगे, एक क्लैरिटी गोल का होना चाहिए, और इस तरह से न्यू वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि मन लगा रहे, मोनोटोनस ना हो, और जो है पहले सिंपल से स्टार्ट लेना चाहिए, ईजी से स्टार्ट लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। सेल्फ स्टीम क्या है, देखिए ईगो सेल्फ स्टीम में अंतर है, ये आप वहाँ पर कर सकते हैं। इफ़ एनीवन इज थिंकिंग ओनली आई कैन डू, दैट इज ईगो, बट आई कैन ऑल्सो डू, दैट इज सेल्फ स्टीम। तो जब इफ दे कैन डू आई कैन डू, ये सेल्फ स्टीम है, जब कोई और कर सकता है मैं भी, ये सेल्फ स्टीम है, बट इट आई विल ओनली डू, तो वह आपका ईगो हो गया, या इट इज़ आई हैज डन ऑल द थिंग्स, तो ये ईगो हो गया। तो यहाँ सेल्फ स्टीम की जरूरत हर किसी को है, सेल्फ स्टीम होना ही चाहिए, और सेल्फ स्टीम के लिए आपका फिजिकल और मेंटल इमेज सही रखना चाहिए अपने बारे में, हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए, ये आपका है। यहाँ पर ये चैप्टर, आखिरी चैप्टर हम लोग पहुँच रहे हैं, आखिरी चैप्टर है ट्रेनिंग स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग आप लर्न पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक लर्न करना ही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कूल में लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टैलेंट डिटेक्शन करते हैं, कौन किस तरह का है भाई आ जाओ ग्राउंड में, उसके बाद जैसे ही वो आ जाता है तो हम लोग उससे प्रैक्टिस कराते हैं, तो टैलेंट किस तरह का है उसको अलग अलग छांटते हैं, फिर टैलेंट डेवलपमेंट करते हैं और तब सेलेक्शन करते हैं। पहले ऐसा नहीं कि पहले ही छांट देते, पहले देखते हैं हल्का हल्का सीखने का कैपेसिटी है तो उसको सिखाने शुरू करते हैं, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद टैलेंट का डेवलपमेंट करते हैं, तब टैलेंट डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, टैलेंट का सेलेक्शन करते हैं। तो ये प्रोसेस केवल याद रखना है आपको। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग माइक्रो साइकिल, मैक्रो मेसो एंड माइक्रो, तो मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, यानी एक साल है, एक साल से ज़्यादा के लिए, तो मैक्रो साइकिल प्रोग्राम होता है, जब 3 महीना से लेके 9 महीना तक जो है जाता है तो वो मेसो साइकिल, या एक साल तक मेसो साइकिल होता है, और जब कम दिन के लिए हम लोग करते हैं, 90 डेज से कम के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो माइक्रोसाइकिल प्रोग्राम होता है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग माइक्रोसाइकिल में क्या है, इंस्टेंट हम लोग ऊपर परफॉर्मेंस चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। मेसो में थोड़ा धीरे धीरे चढ़ाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, और मैक्रो में जब लंबा लेके चलते हैं कि कब कब हमको कंपटीशन खेलना है, कब कब रेस्ट करना है, कितना खाना है, कितना क्या करना है, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। यानी याद रखना, माइक्रो साइकिल यानी छोटा, यानी कि
लेस देन 90 डेज, 90 डेज टू 180 डेज, 90 डेज टू 365 डेज वो सारा का सारा मेसो, और 365 डेज टू 4 इयर्स 5 इयर्स जो है मैक्रो, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड स्पीड, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और स्पीड को डेवलप करने का मेथड क्या क्या है, यही पूरा मेन चैप्टर है, यही पूछता है अधिकतर। तो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आपका जो है एक्सरसाइजेस है जिसको तीन भाग में बांटा गया है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। या आइसो मीन्स स्टैटिक होता है, और मैंने स्टैटिक होता है, आइसो मीन्स एक समान, और मैट्रिक मीन्स दूरी। तो जहाँ दूरी समान रहे वो आइसोमेट्रिक, यानी कि हम दीवार ढकेल तो रहे लेकिन ढकला नहीं रहा है, तो आइसोमेट्रिक हो गया। वेयर देयर इज नो विजुअल मूवमेंट दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक, यानी पुशिंग अगेंस्ट वॉल। आपको सिर्फ अगर एग्जांपल याद है लिख दीजिएगा, और आपको लिख दिएगा वेयर देयर इज नो विजुअल मूवमेंट दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आइसोमेट्रिक पुशिंग अगेंस्ट वॉल, मेकिंग ए सिटिंग पोस्चर विदाउट चेयर, टेकिंग हैवी लोड ऑन हेड एंड शोल्डर विदाउट मूवमेंट दैट इज कॉल्ड, या प्लैंक जो करते हैं हम लोग दैट इज आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक ऑल द एक्सरसाइज वेयर देयर इज विजिबल मूवमेंट दैट इज आइसोटोनिक। टोन मीन्स होता है गति, जब गति दिख रही है, टोन अप दिख रहा है तो आइसोटोनिक, इंस्टेंट जो है टोन दिख रहा है तो आइसोटोनिक, जिसमें मसल टोन अप हो रहा है, मसल जहाँ विजुअल मूवमेंट है मसल टोन अप हो रहा है वो आइसोटोनिक। तो इसमें आपका जितना एक्सरसाइज है कोई भी एग्जांपल डाल दीजिए सब चलेगा, वॉकिंग, रनिंग, बेसिकली जो वेट ट्रेनिंग जरूर डालिएगा, डंबलिंग, बेंच प्रेस, ये सारे एक्सरसाइज आइसोटोनिक। क्योंकि आपको रनिंग और जॉगिंग यहाँ पर सूट नहीं करा, क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ के लिए, तो स्ट्रेंथ के लिए आपको डालना है डंबल, कर्लअप जिसको कर्लअप कहते हैं, हाफ स्कर्ट, फुल स्कर्ट, बेंच प्रेस, इस टाइप के एक्सरसाइजेस को एग्जांपल में डालिए। और आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपका स्टैंड डेवलपमेंट के लिए है लेकिन मशीन की सहायता से। काइनेटिक मीन्स गति, आइसो मीन्स स्टैंड। इंस्टेंट गति कैसे रहेगा, जब मशीन से करेंगे तो ऑल द एक्सरसाइजेज विच इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, स्पेसिफिक मशीन, जैसे साइबेक्स 1 नाम का एक मशीन था जिससे स्टैंड ट्रेनिंग करते थे और उसका एक गति होता था। जैसे आप ट्रेडमिल पर जब दौड़ते हैं तो वहाँ गति को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इंस्टेंट उस गति पर लगातार दौड़ रहे हैं तो वो सारे में आइसोकाइनेटिक होता है। आइसोकाइनेटिक आर दोज एक्सरसाइज विच आर डन थ्रू द हेल्प ऑफ मशीन्स वेयर वी कैन मैनिपुलेट द स्पीड एंड वी कैन वर्क ऑन सर्टेन स्पीड, ठीक है। टाइम्स ऑफ डेवलप स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, इंड्योरेंस के लिए क्या क्या, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, फटलेग ट्रेनिंग, ये तीन ट्रेनिंग है किसके लिए, इंड्योरेंस के लिए। इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, तो इंटरवल ट्रेनिंग बेस्ड ऑन एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट, इंटरवल नाम ही से लग रहा है, इंटरवल होगा बीच में, तो एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट अगेन प्रिंसिपल इंटरवल ट्रेनिंग, ये याद रखिएगा हमेशा, इन्वर्टम डालिएगा। इंटरवल ट्रेनिंग बेस्ड ऑन एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट अगेन, अब इस पूरे चैप्टर में यही है मैथड क्या क्या है, तो आपको मेथड को रिलेट करना है, क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ के लिए तीन तरह एक्सरसाइज करना है, क्या, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, और एंड्योरेंस के लिए क्या है, तो तीन तरह चीज़ है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, नाम से ही कंटिन्यूस, मतलब कोई भी एक एक्टिविटी कंटिन्यूस मोर देन 30 मिनट्स कर रहे हैं तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जहाँ इंटरवल ले रहे हैं वो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और जब हिली एरियाज में जब करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ तो फाटलेग ट्रेनिंग मेथड होता है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, फाटलेग ट्रेनिंग हिली एरियाज में, इंटरवल ट्रेनिंग में जहाँ इंटरवल हो, एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट अगेन के प्रिंसिपल्स पे काम करेगा, और ये जो है आपका जो है कंटिन्यूस ट्रेनिंग कंटिन्यूस मेथड पे काम करेगा 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस करने पर। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में इंटरवल देते हैं हम लोग, मैंने फास्ट रनिंग देन इंटरवल, स्लो डाउन द हार्ट बीट देन अगेन फास्ट रनिंग, तो ये हो गया आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। और फाटलेग ट्रेनिंग इज डन इन हिली एरियाज। इसमें कभी कभी पूछता ये है कि किसने कौन सा मेथड निकाला, तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक किसने निकाला, ये तो नाम नहीं है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड किसने निकाला, ये भी नाम नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस दौड़ना किसी ने भी बोल दिया हो कंटिन्यूस दौड़ फायदा करेगा, लेकिन यहाँ पर फाटलेग ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का नाम पूछता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में कहीं कहीं बिकीला लिखा हुआ है, फिनलैंड का, ये फिनलैंड में निकला था याद रखिएगा, लेकिन फिनलैंड में निकला था आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अभी पूरी दुनिया में इंटरवल ट्रेनिंग मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है एंड्योरेंस बनाने के लिए, खासकर मिडिल डिस्टेंस रेसेस के लिए, 400-800 के लिए। लॉन्ग रेसेस के लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलता है 30 मिनट के, या 2-4, 5 घंटा, 10 घंटा दौड़ रहे हैं, और हिली एरियाज में भी लोग जाते हैं फटले को भी लॉन्ग टर्म के लिए, कभी कभी मिडिल डिस्टेंस के लिए भी वो फायदा करता है। और जो है फटलेग ट्रेनिंग मेथड जो है स्वीडन में निकला था, ये फिनलैंड में, ये स्वीडन में
फॉर्टलेक्टनी मेथड, इसको स्पीड प्ले भी कहा जाता है, वो गोस्टा होल्मर के द्वारा निकाला गया था, ये याद रखिए गोस्टा होल्मर। तो हम इस तरह याद करते हैं कि हिली एरिया में घोस्ट रह सकते, भूत रह सकते हैं, इसलिए गोस्टा होल्मर। होल्मर मतलब अलग गायब करे तो होम यानी घर, तो गोस्टा होल्मर, और ये रिलेट करेगा गोस्टा होल्मर घोस्ट लोग हिली एरियाज। ये फॉर्टलेक्टनी इंटरवल टर्निंग मतलब इंटरवल बार बार। फिनलैंड फाइनलैंड था जिसमें कि इंटरवल दिया जाता था, तो फिनलैंड का इंटरवल टर्निंग मतलब बिकीला। तो ये याद रखिएगा तीनों मेथड और उसके नाम कोई किसने निकाला। टाइप्स ऑफ इंडरेंस हो गया, इंटरवल टर्निंग मेथड बिकीला ने 1920 में निकाला था, और गोस्टा ने 1937 में, आज़ादी से 10 साल पहले जो है फॉर्टलेक टर्निंग मेथड लगा था 1937। और 1920 जो है एक शायद उसका पिक्चर निकला था हॉरर वाला, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपका हो गया ये इंटरवल टर्निंग मेथड। ठीक है, मेथड डेवलप स्पीड, इसमें दो है एक्सलेशन रन मेथड, पेस रन मेथड। एक्सलेशन रन मेथड में धीरे धीरे एक्सलेट करने पर ध्यान देना है, स्टाइल पर ध्यान देना है। एक्सलेशन रन मेथड पेस एक सर्टेन स्पेस पर दौड़, पेस पर दौड़ना पूरे गति को, पूरे इवेंट को। पेस रन मेथड ये दोनों से, एक्सलेशन से क्या होता है आपको एक्सलेट करने आता है, जल्दी एक्सलेट कीजिएगा तो जल्दी हाई स्पीड पकड़िएगा और स्पीड इस तरह से बढ़ेगा। पेस में एक पेस में आप दौड़ने सीख गए पूरे गति में, तो मिडिल डिस्टेंस के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए पेस रन मेथड बहुत अच्छा है। 100-200 में एक्सलेशन मेथड ज़्यादा अच्छा है, इसको याद रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बैलिस्टिक मेथड, जर्क देना, बैलिस्टिक मेथड जो है जर्किंग मूवमेंट के साथ ब्लास्ट करते हुए बैलिस्टिक मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, इसको धीरे से खींचे रोके रहे, धीरे से खींचे रोके रहे, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, ऐसे करिए डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। और सबसे ज़्यादा यूज होता है PNF मेथड, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन मेथड। ये PNF का फुल फॉर्म भी पूछ देता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन मेथड, PNF मेथड। PNF मेथड में क्या होता है कि आप एक सर्टेन जगह तक एनर्जी लगाते हैं तो एंटी एनर्जी लगाते हैं, अपोजिट एनर्जी लगाते हैं। तो इसलिए कि वन हैज टू होल्ड द लिम वेयर द इन स्ट्रेच पोजिशन एंड बॉडी शुड अलाउ, यानी कि सब्जेक्ट जो है उसके बॉडी को, हम लोग मसल को अगर स्ट्रेच करते हैं, वेन वी स्ट्रेच द मसल्स एंड देर विल बी अपोजिट फोर्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एंड कीप दैट पोजिशन फॉर 10-15 सेकेंड्स। उसके बाद जैसे ही वो देन लूज द मसल्स एंड ट्राई टू होल्ड प्रेस द मसल्स फॉर प्रेस द ज्वाइंट्स फॉर मोर प्रेशर, थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा के आगे तक ले जाते हैं, फिर वहाँ पर अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ये जब 2-3 बार करते हैं हम, तो इसको प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन मेथड, इससे धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है। मैंने करके खुद देखा, जैसे यहाँ तक रहता था, फिर अपोजिट लगाते गए, जैसे वो हल्का हुआ, एनर्जी शांत हुआ, थोड़ा और बढ़ा दिए, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता जाता। फिर यहाँ पर अपोजिट लगाते गए, जब छोड़े यहाँ, 2-3 बार जब इस तरह से करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, इसमें कहते हैं मूव करते हैं स्ट्रेच पोजीशन पर, जिसमें थोड़ा सा दर्द महसूस हो, वहाँ होल्ड करते हैं स्ट्रेच पोजीशन को, और एंटी 6-10 सेकंड एंटी जो है उसमें 10-15 एंटी उसका प्रेशर लगाते हैं, फिर 6-10 रिलैक्स करते हैं एक जगह, फिर एंटी करते हैं। इस तरह से 2-3 बार उसको रिपीट करते हैं, 3-4 टाइम्स, और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। और इसमें लास्ट है कॉर्डिनेटिव एबिलिटीज, जो कि मैंने बहुत जल्दी बताया था। कॉर्डिनेटिव एबिलिटीज 7 तरह की होती है, इसको मैंने ABCDEFG से याद कराया था। ए यानी ऐप, ऐप के अंदर क्या होता है कि दो या दो से एक्टिविटी को एक साथ करने की कॉपलिंग एबिलिटी, कपल मतलब जोड़ना, कॉपलिंग एबिलिटी, कपल से जोड़ लीजिए, तो कॉपलिंग एबिलिटी होती है। कॉपलिंग एबिलिटी में जो है उनका जो है दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी को एक साथ करने की एबिलिटी, कॉपलिंग एबिलिटी। बी यानी बैट, बैट में क्या होता है कि सर्टेन टाइम स्पेस में कहाँ हम हैं ये जानता है बहुत अच्छा बैट, इसलिए उसको दिखाई नहीं देता रात में, फिर भी रडार से जो चीज़ें लौट के जो साउंड लौट के आता है उससे अल्ट्रासोनिक वेव